बोलो काली माता की जय। माता तेरी महिमा, जय काली माता की। अब मुझे बता क्यों नहीं देते सर, नेशनल टाइम्स का आर्टिकल है सर। माता काली की सबको आशीर्वाद दे दीजिए, वाली चटती है क्या? नोरी भाई जल्दी चल, कुछ करना पड़ेगा हमको। किसका? अरे वो अखबार वाली मैडम यार। गांव वाले ये सब घोड़े के साथ होते हैं। क्या करेंगे जी गांव वाले, उसके वश में है सारे के सारे। डर लगता है सबको, खत्म कर देगी, भस्म कर देगी माता जी। पेपर में मेरा नाम नहीं आ जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, कसम से। इस औरत का नाम तो देना ही पड़ेगा सर। द नेम ऑफ द वुमन इज कजारिया। रविवार की रात और आज हमारे साथ हैं गेस्ट मजीशियन मधुरिता आनंद। आपने उनकी 2015 के मूवी का ट्रेलर देखा कजारिया। इट वाज अ फैंटास्टिक मूवी एंड इट क्रिएटेड रिपल्स वेव्स एंड फोर्ब्स सेड दैट इन 2015 इट वाज अमंगस्ट द फोर मस्ट वॉच मूवीज ऑफ दैट ईयर। बहुत डेटा है इसके साथ, जबरदस्त फिल्म है। आई वॉच्ड दैट फिल्म एंड टुडे वी हैव मधुरिता विद अस टू डिस्कस अबाउट दैट फिल्म, अबाउट हरसेल्फ। शी हरसेल्फ इज अ वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी। लेट हर बी इन टू द स्टूडियो। विदाउट एनी फर्दर एडू आई वुड आस्क माय बैक एंड टीम टू ब्रिंग इन मधुरिता। हेलो मधुरिता आनंद, हाउ आर यू? I'm very well, very nice to be here, lovely to be here and talking to you. So thank you so much. Thank you so much. बहुत जबरदस्त फिल्म है और बहुत जबरदस्त इसकी रिव्यूज थी। मैं फिल्म से चालू करने के पहले ये चाहूंगा आप अपने बारे में एक छोटा सा ब्रीफ बताओ कि कहाँ से आप डायरेक्टर तैयार हुई। वो सनावर की बातें, वो दिल्ली की बातें, वो बचपन की बातें, वो डांस की बातें, वो मम्मी के साथ दूरदर्शन में जाके इंटरव्यू देते समय नाचने वाली बातें, जहां से आप शायद स्टूडियोज जानती थी, और फिर सनावर में कैसे आपका माइंडसेट बना, फिर दिल्ली आई, फिर आपने अपने आप को कैसे ये बोला या कैसे ये जाना कि मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे स्टोरी राइटर बनना है। वहां से लेके आप कजरिया तक आइए, फिर हम कजरिया से कहानी चालू करेंगे। Over to you. बहुत ही लंबी कहानी है और इसको मतलब संक्षेप में थोड़ा बताती हूँ। तो मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो फादर थे, वो आर्मी में थे और मेरी मदर डांसर थी और कथक डांसर थी। पहली तो ये बात है। और जो सारी मेरी मासी हैं, जितनी हैं, वो सारी आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थी। एक सिंगर थी, एक पेंटर थी, एक राइटर थी और मेरी मदर डांसर थी। खैर तो वो मतलब डांस और सिंगिंग और राइटिंग के माहौल में तो मैं पली हूँ। और दूसरी तरफ मेरे जो फादर साइड थे, वो बहुत ही एकेडमिक तरह के लोग थे। सबने पीएचडी करी हुई है, मतलब बहुत पढ़े लिखे किस्म के लोग। और तो वो उसका एक कॉम्बिनेशन था, जहाँ पे आर्टिस्टिक जो था साइड था, लेकिन एक तरफ इंटेलेक्चुअल रिगर का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था।
लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा पहला एक्सपोजर कैमरा वगैरह दो तरह का एक्सपोजर था. एक तरफ तो मेरी मदर जो थी, उन्होंने जब मैं बहुत छोटी थी वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में टेलीविजन का कोर्स किया था उन्होंने तब, और मेरे ख्याल से शायद पहले दूसरे या तीसरे बैच में थी मतलब. और मेरे फादर ने बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने किया, मतलब मेरे फादर ने बहुत इनकरेज किया तो उस टाइम वो ज़रूरी था तो उन्होंने किया वहाँ पे. उसके बाद वो हमें स्टूडियो ले जाती, कुछ प्रोग्राम्स होते थे तो डांस तो नहीं किया हमने वहाँ पे, लेकिन बदमाशी बहुत की. मुझे एक याद है इंसिडेंट की, कोई मैजिक शो चल रहा था और हम ऑडियंस में थे और मैं कुछ बोर हो गई तो आई स्टार्टेड डूइंग जिमनास्टिक्स और कैमरा मेरे ऊपर आना शुरू हो गया. मेरी मदर बहुत एम्बेरस हुई, उन्होंने कहा कि तुम बैठ नहीं सकती हो वगैरह, पर हम स्टूडियो जाते रहे. एक तरफ तो उनका इन्फ्लुएंस था, दूसरी तरफ मेरे एक अंकल थे जो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टर थे, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो फोटोग्राफी जैज वगैरह ऐसे था. सो माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 7 ईयर्स ओल्ड एंड देन वी केम टू माई नानीज हाउस एंड माई अंकल वॉज देयर. सो ही यूज्ड टू टेक दीज ब्लैक एंड वाइट फोटोज और कनॉट प्लेस जो था वहाँ पे जो घर होते थे उनके रूम्स काफी बड़े साइज के थे तो उनका एक बड़ा सा रूम था और एक तरफ एक रिकॉर्ड प्लेयर था और इतने सारे जैज के रिकॉर्ड्स, दूसरी तरफ रम और सिगरेट्स और दूसरी तरफ एक जैसे डेवलपिंग के लिए जो पूरा वो था, डेवलपिंग के लिए उनका पूरा इंतजाम था. सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ एक्चुअली वो पेपर पे इमेज कैसे आता है, मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग था और वो इनकरेजिंग बहुत थे. उनसे मैं अगर कोई सवाल पूछती थी वो बड़े आराम से आंसर भी करते थे कि कैसे होता है क्या है, तो छोटी थी वो फिर भी समझा देते केमिकल्स वगैरह. दूसरा ये था मेरी जो नानी का घर था वो प्लाजा सिनेमा के बिल्कुल ठीक ऑपोजिट था तो हर फ्राइडे पिक्चर बदलती, हम लोग देखते और नेचुरली हम लोग ऑपोजिट रहते थे तो वो सिनेमा ओनर्स हमको स्पेशल टिकट्स वगैरह देते थे तो हर पिक्चर हम देखते थे. सो दैट काइंड ऑफ एटमोसफियर शेप्ड मी. उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल चली गई, वो एक एक अलग किस्म का दौर था. बहुत अच्छा नेचर में हम लोग जी रहे थे और मज़े कर रहे थे. वहाँ पे तो इंसिस्ट कर किया जाता था कि आपको मतलब कुछ हॉबीज करनी ही पड़ेगी, तो हमने सब किया, डांस, सिंगिंग, फोटोग्राफी. एक छोटी सी फिल्म भी बनी थी वहाँ पे हमारे फोटोग्राफी क्लब में, तो वो रहा. फिर जब मैं बोर्डिंग स्कूल से दिल्ली आई तो मुझे एक तरह से धक्का लगा क्योंकि मुझे एक रियलिटी का रियलिटी चेक जिसे कहते हैं, क्योंकि सनावर में क्या था कि हम एक होमोजेनस लॉट थे, मतलब लार्जली होमोजेनस, सबके व्यू पॉइंट्स एक जैसे थे, हम बड़े आइडियलिस्टिक थे. बाहर आए तो पता लगा भाई दुनिया में कुछ अलग किस्म के लोग भी हैं. तो तब मुझे एक एक्टिविज्म का चस्का लगा और मैं उड़ीसा के एक विलेज में जाके रही, काफ़ी कुछ किया, स्पेसिफिक सोसाइटी में काम किया, लेकिन जो उड़ीसा विलेज में जब मैं जाके रही थी तब मार्क्स, कार्ल मार्क्स पढ़ के कुछ इन्फ्लुएंस हुआ था और वहाँ जाके मैं रही तो फिर मेरे मदर बहुत ही वरिड थी. उन्होंने कहा कि तुम वापस आ जाओ, बहुत हो गया, वहाँ पे बाढ़ आ गई थी तो किसी तरह से मुझे वहाँ से निकाला, ले आए घर. लेकिन वो मुझे एक्सपीरियंस ने काफ़ी कुछ सिखाया अबाउट मतलब हाउ द रेस्ट ऑफ इंडिया लिव्स रियली. तो मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रही थी वेंकटेश्वर कॉलेज में उस टाइम एंड आई एक्चुअली मेट माई एक्स हजबेंड क्वाइट अर्ली. आई वॉज स्टिल इन कॉलेज जस्ट आफ्टर दिस, बट आई न्यू दैट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग. आई सेड यू नो लाइक आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट देयर वॉज लाइक अ फायर बर्निंग, यू नो,
समथिंग हैड बीन लिट. सो आई डिसाइडेड कि कुछ भी करके मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए तो भला कर ही सकते हो किसी भी टाइम, लेकिन दूसरों के लिए भला करना बहुत ही भला भी नहीं, दूसरों के बारे में सोचना एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये कोई एक आप कोई किसी के ऊपर फेवर नहीं कर रहे हैं, कोई आभार नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये बात मुझे जहन में बैठ गई जैसे. तो फिर क्योंकि मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक साइड था, तो मैं सोचने लगी कि ये एक्टिविज्म और आर्ट कहाँ मिल सकता है दोनों. तो मुझे लगा फिल्म मेकिंग. तो फिर जामिया जो कोर्स है उसमें मैं इनरोल हुई. इनरोल हुई और मुझे कैटेगोरिकली याद है वो दिन जब वो लेंसेज मेरे हाथ में थे और हम लोग शूट पे जाने वाले थे और मुझे लगा कि ये आई मीन आई फेल इन लव, यू नो, आई जस्ट इट जस्ट फेल्ट लाइक होम. मे बी बिकॉज आई हैड ग्रोन अप लाइक दैट, क्योंकि मेरे अंकल भी थे फोटोग्राफर थे, क्योंकि मेरी माँ भी थी, तो कई बार वो ऑलरेडी एक बैकग्राउंड बन चुका था शायद. तो इसीलिए जब मैंने वो लेंसेज पकड़ी मुझे लगा ये मतलब ये मेरे औजार हैं, मैं इनको समझती हूँ किसी तरह से. तो उसके बाद बिकॉज मैं दिल्ली में थी और कुछ ज़्यादा फिल्म का वो नहीं था बैकग्राउंड, तो मतलब फिल्मी कोई बॉम्बे का बैकग्राउंड नहीं था, तो थोड़ी देर टेलीविजन करते रहे. उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट्री की कंपनी मैंने चलाई और बीबीसी चैनल 4 वगैरह के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज करी. अवार्ड भी मिले कुछ एकादा नहीं. मतलब वो अवार्ड की बात अगर करने लगे वो लास्ट में करेंगे. बहुत सारे अवार्ड्स हैं. यू वर द फर्स्ट वुमेन फोटोग्राफर फॉर कुंभ मेला फ्रॉम वेयर यू वर रिपोर्टिंग डेली, एंड दैट्स वे बैक 2001-2002 व्हेन डिजिटल हैड नॉट मेड इट्स मार्क. बिकॉज़ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फिल्म मेकिंग देयर आर टू एरास एज ऑफ नाउ, वन इज डिजिटल एंड वन इज स्टॉक, एंड बोथ ऑफ are very different stories. अगर आप stock में shoot करने जाते हो तो cameras भारी होती हैं, they are bulky, the lenses are big, and it requires a kind of body to really carry them and shoot. It's not very easy like a DSLR today. With a DSLR and GoPros, you can shoot amazing things far more clearer, much more easier. You can edit it on the fly. रात को you can check it out, and if something is wrong, you can do it the next day morning. Whereas in analog, these were not so very easy. So, yeah. So you're talking about the analog times, and at that point of time, you were one of the women photographer with camera, and for that and for the episodes, you were awarded by BBC, right? If I'm not wrong. In the everyone. मत बोलिए. Don't be modest. खुल के बोलिए. रंज के बोलिए. जितना है उसको थोड़ा बढ़ा के बोलिए तो लोग थोड़ा वैल्यू देते हैं. हमारे देश की प्रॉब्लम क्या मालूम है, हम हमारे अवार्ड के बारे में बोलते हैं ना, तो हम पद्म विभूषण के बारे में बात करेंगे तो वो पद्मश्री लायक तवज्जो देंगे, क्योंकि हम उन सब टॉपिक्स पे धीरे धीरे आएंगे. आप अपनी स्टोरी में बहुत सारी चीजें कवर की, फेयर इनफ, मॉम डैड योर कॉलेज योर अंकल योर राइटिंग योर स्टडीज. एक चीज जो जो आपका बहुत पैना है वो है आपकी लिखाई, लिखना. जी मुझे राइटिंग राइटिंग का तो मुझे लगता है कि ऐसे मैं जब से मुझे याद है मैं एक स्टोरी फॉर्मेट में सोचती ही हूँ. मुझे ये टाइम कभी याद ही नहीं कि मैं नहीं लिखती थी. तो मुझे तो ऐसे टाइम ही याद नहीं है. मैं शायद I think I started writing some diaries and stories and all when I was 5-6 years old. अब I'm sure उसमें spelling तो मेरी तो बहुत ही खराब है. मेरे को लगता है कई बार मैं dyslexic हूँ, लेकिन फिर भी मैं लिख देती थी. और मेरे फादर के डेथ के बाद जब हम लोग कनॉट प्लेस में रहने लगे तो मेरी जो आंट्स थी वो हमारे आस पास आ गई और वो बहुत ही एक नर्चरिंग और एक तरह की बहुत इनकरेजिंग थी. तो वो मेरी पोइट्री लेके ना पढ़ती थी सारी बैठ के.
अच्छा इसमें तुमने ऐसे लिखा है, क्या क्यों लिखा है वगैरह, यू नो तुमने ऐसे क्यों लिखा, इसका मीटर ऐसे होता है, पोइट्री का तो मीटर ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे समझाया मेरे को अबाउट रिदम एंड मीटर. सो देन दे सेड जाके इसको लिखो, वो सोच के थोड़ा सा. सो दे डिडंट जस्ट से ओ यू आर अ ग्रेट पोएटेस एंड यू नो फॉरगॉट अबाउट इट, दे काइंड ऑफ वर्कड विद मी. तो स्पेशली माय एल्डेस्ट आंट हु वाज अ राइटर एंड रोट पोएट्री हरसेल्फ, तो मैंने वो लिखी मेरी मदर. देखिए आंट मतलब इंग्लिश में ना पता ही नहीं चलता है, चाची है. मासी, मेरी मासी, मेरी सबसे बड़ी मासी थी. तो और फिर मेरी मदर ने उसको पब्लिश करा दिया, तो कोई चिल्ड्रंस वर्ल्ड या ऐसी कोई मैगजीन थी और या वर्ल्ड. बहुत बड़ा मैगजीन है चिल्ड्रंस वर्ल्ड यार. जितने लोग आज की तारीख में अच्छा लिखते पढ़ते, जैसे रूपा पाई जी आई थी तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने गीता फॉर चिल्ड्रन लिखा है, वो भी चिल्ड्रंस वर्ल्ड पढ़ के बड़ी हुई है. उसके बाद टिंकल आया, अचानक देयर वाज अ चेंज, कितना फ्लैशी सा मैगजीन है. सो वी ऑल आर इन एंड अराउंड 70s 80s किड्स. सो चिल्ड्रंस वर्ल्ड, चंपक, पराग, नंदन, दे वर ऑल गुड बुक्स टू रीड. एंड एनी टाइटन and Alfred Hitchcock and Nancy Drew and three investigators. So we all have grown up on that. And absolutely. Writing and whatever is saying, like writing poems and then getting it verified. Public. Yeah. Publish is brilliant. But publish के लिए एक छोटा सा step कि ये जो तुमने ये चार लाइन लिखा है, ये उसके बाद जो इस पे आए हो, अगर उसी समय ये thought process में entry हो जाए ना, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनती है. आज की तारीख में अगर आप उसको करने जाओ तो आप नहीं सकिएगा. उस समय से आप सोच वैसे बन जाती है. दैट इज अमेजिंग. सो वी रीच अ यंग माधुरिता हु इज रेडी टू मेक फिल्म्स एंड शी इज डूइंग इट इन दिल्ली फॉर दूरदर्शन. शी इज डूइंग डॉक्यूमेंट्रीज. नॉट फॉर दूरदर्शन, आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर दूरदर्शन. No, not for Doordarshan. You were doing documentaries for all these big channels, BBC and likes. Yeah. Those same levels. And they are brilliant. We checked out whatever you have done. They are brilliant. Kumbh Mela was amazing. Yeah. वहाँ से मतलब कुंभ मेला और इस तरह के टॉपिक, बिकॉज कहते क्या है मालूम है, इट टेक्स अ ब्रिलियंट डायरेक्टर टू मेक अ फीचर फिल्म. But it takes God to make a good documentary. Documentary always require Almighty's intervention. Else, it doesn't really come up because koi set nahi hai. Aap story ke flow. I want to say something here because I've done so much documentary work. Of course, you need God even for a fiction film. Honestly, you know, there is an energy that comes there or it doesn't. But you have that tuning and that being receptive. Is a documentarian's tool. So we learn very early how to just tune in, you know, right there and then, what's happening, what's exciting, and people trust us. People trust us because they feel that we are tuned in with them. Meaning, if you go with a judgment and you go to cover, you'll never be able to do anything. But if you want to become part of the process with them, to phir wo पूरा मतलब नजरिया उनका भी बदलता है, आपका भी बदलता है. यू गेट इन विद देम. वो जो स्लिपिंग इन वाली बात है ना, इट इज इतनी, मैं सोचती हूँ, प्राइसलेस चीज है किसी भी फिल्म मेकर के लिए. एंड मैं आपको, अगर आप चाहें अभी भी बात कर सकते हैं, कि जब मैं फिक्शन भी बनाती हूँ तो मैं बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्री टूल्स वहां इस्तेमाल करती हूँ, बड़े मजे से इस्तेमाल करती हूँ, बड़ा मजा आता है. और मेरे कजरिया में किया है. हाँ बहुत किया है कजरिया में. तो मैंने सारे जो मेरे सेकेंडरी कास्ट है सारे रियल पीपल हैं, बिकॉज हमारे को मेरी जो, मैं एक अभी आपको बात बताती हूँ. वर्नर हर्ज़ोग है एक माने बहुत ही माननीय डायरेक्टर है. मैं आई हैव नो अदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हिम एक्सेप्ट दैट यू नो व्हाट कैन आई से, ही इज जस्ट लेजेंडरी. So very early in my career, I had the chance to assist him. And I learned something from him, and he's talked about it very often, that there is a real difference between fact and truth. So agar aap documentaries facts pe bana rahe na,
तो आप शायद घर पे बैठ के कुछ भी एडिट कर लीजिए, वो फैक्ट्स वाली बन जाएगी। अगर आपको ट्रूथ की डॉक्यूमेंट्री बनानी है ना, तो उसमें आप कोई भी इम्प्लीमेंट यूज करिए, चाहे आप किसी से एक्टिंग ही करवा लें, चाहे आप किसी से कुछ बुलवा लें, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो देन इट चेंजेस योर होल प्रोसेस एक्चुअली। तो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग इज अ लॉट अबाउट हाउ इवॉल्व्ड यू आर, राइट? हाउ ट्यून्ड इन यू आर, हाउ मच कि आप अपने आप को उस सब्जेक्ट से ऊपर या नीचे समझते हैं, कि आप समझते हैं कि मैं और आप एक ही हैं, और अब मेरे को आपका ट्रूथ समझना है, मुझे आपके फैक्ट्स से मतलब नहीं है, आप कितने साल के हैं, कहाँ पे बैठे और क्या खाया, नहीं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज योर ट्रूथ। वो ट्रूथ के चक्कर में यू हैव टू बी स्लाइटली क्यूरियस एंड फिजिकली हार्डी आई थिंक टू डू डॉक्यूमेंट्री, and not very easily satisfied, and to really know that whatever he is telling or she is telling is not actually the truth. Yes. And maybe Kajariya mein ye wali cheez kahin dikhi hai, wo ladki ko pehle din jab us ladki ko pehle din jab bye bye bol dete hai to wo ruk jati hai, halanki wo bahut strong character nahi hai ya uska build up aisa nahi dikhaya gaya, wo ek chance leti hai, just time pass karne jaati hai, mere ko 80 km door pe, lekin wahan ja ke ruk jati hai raat ko जी, जबकि वो जगह रिसेप्टिव नहीं है, देयर आर इनफ इंडिकेशंस दैट दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस जी फॉर अ गर्ल ऑल अलोन। सो ये जो आपने लाया है, ये आपके डॉक्यूमेंट्री के फिल्म मेकिंग के उससे आपने इसके कैरेक्टर में वो वाला पॉइंट दिया है। जी बिल्कुल वही दिया है, मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। तो क्या हुआ कि एक बारी मैं एक ऑनर किलिंग्स पे डॉक्यूमेंट्री कर रही थी हरियाणा में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव है, वहां पे एक मैंने सुना था कि बस 3 दिन पहले एक बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट हुआ था, जहां पे एक लड़की और लड़का को लड़की के घर में टंगा दिया गया एंड ओवर 3 डेज दे वर किल्ड। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, टंगा दिया गया का मतलब क्या है, लटका के मार दिया गया या जस्ट टांग के रखा दिया गया? टांग के रखा गया और उनको स्लोली मतलब काट काट के मारा था। एक्चुअली लड़के को कर रहे थे ये लोग टॉर्चर। लड़की आई, उसने कहा मत करो, तो उसको भी टंगा दिया। और जो बेसिकली इनका एक जो खापन चायस का था, गोत्र को लेकर था कि सेम गोत्र में नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की गोत्र इनके सेम नहीं थे, लेकिन वो लड़का जो था पुअर फैमिली का था, वो थोड़ी रिच फैमिली की थी, और ये लड़का जो था उसकी माँ दूसरे गांव में रहती थी, वो अपनी नानी के पास रहने आया था, मामा के साथ दूध बांटने का काम करता था, और वो लड़की के घर में दूध बांटने गया और वहां पे कुछ हादसा, मतलब वो प्यार व्यार हो गया इन लोगों को, तो पकड़ लिया। और तो इसमें सबसे हॉरिबल बात ये थी कि जो माँ और नानी को बिठाया गया और दिखाया गया कि ये देखो ऐसे, मतलब जब वो मार रहे थे लड़के को, तो उनको बिठाया वहां पे दिखाने के लिए, तो दे फोर्स देम टू वॉच इट। तो मेरे को ये सब डिटेल नहीं पता था, सिर्फ ये कि पुलिस ने कुछ लोगों को वहां से गिरफ्तार किया जिन्होंने ये ऑनर किलिंग करी है। 3 दिन पहले हुई थी ये वारदात और मैं वहां पहुंच गई अपना क्रू लेके। ये औरत के घर में गए जो नानी थी, तो वो ना ऐसे बिल्कुल पत्थर हो चुकी थी, बिल्कुल यू नो तो समझ में नहीं आ रहा था। शी वाज मतलब कभी कुछ कह रही है, वहां वो जो मारने वाले थे वो यही है, फिर कहते नहीं नहीं उनको ले गए, थोड़ी कंफ्यूज थे। लेकिन फॉर सम रीजन शी टोल्ड मी आई विल गिव यू एन इंटरव्यू एंड मैं बात करूंगी, लेकिन सिर्फ तेरे से करूंगी, मतलब जस्ट यू एंड मी। सो आई सेड ओके, ठीक है। तो कहते जब ये लोग जाएंगे ना, हर सन एंड डॉटर लो, तब करूंगी मैं। मैंने कहा ठीक है, रुक जाते हैं। कहते नहीं, ये तो सुबह सुबह जाते हैं। सो शी बेसिकली फोर्स्ड मी टू स्टे द नाइट विद हर एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई समहाउ ट्रस्टेड हर कि कुछ मुझे होगा नहीं। ऑल्सो पुलिस थी विलेज में, क्योंकि अभी अरेस्ट ही हुए थे वो लोग। सो आई स्टेड द नाइट देयर, वी डिडंट स्लीप अ लॉट, आई डिडंट स्लीप अ लॉट, बट शी रियली मेड मी स्लीप, यू नो वो बहुत काफ़ी बड़ी खाट होती है उनकी, तो
तो इन हर खाट मतलब शी वाज आल्सो स्केर्ड एंड इन द मॉर्निंग वी डिड द इंटरव्यू एंड शी गेट टोल्ड मी एवरी डिटेल देन आई वेंट एंड स्पोक टू द मदर ऑफ द बॉय एंड शी टोल्ड मी एवरी डिटेल सो इट वाज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डू एक्चुअली बट सम हाउ व्हेन आई रीच देयर देयर वुंड वाज सो ओपन एंड दे ट्रस्टेड मी एंड I gave that to that documentary to Austrian television. लेकिन बहुत लोग मुझे कहते रहे कि इसको यहाँ पे इंडियन प्रेस में दे दो तो मुझे इन औरतों के लिए बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने कहा ये बात अगर बढ़ गई और फैल गई ना तो ये सारे लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे मैंने नहीं किया ये because I just thought कि अपनी personal glory के लिए उन औरतों को कॉम्प्रोमाइज करना बिकॉज आई हैड टोल्ड कि ऑस्ट्रियन टेलीविजन के लिए वो बाहर दिखाएंगे यहाँ नहीं दिखाएंगे अब वो अगर मैं यहाँ दिखाना शुरू कर देती तो इट वुड हैव बीन अ बिट्रेयल ऑफ हर ट्रस्ट सो आई नो दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट नाइट इन द विलेज सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कीप इट इन द फिल्म कि उसकी जो यू नो इनसिक्योरिटी वगैरह ऑफकोर्स मेरे सर्कमस्टेंसेस में ना तो ठेके पे गई ना कोई कजरिया थी वगैरह लेकिन वो जो फीलिंग थी ना जो मैं आपको कह रही हूँ द ट्रूथ वर्सेस फैक्ट सो दैट इज दैट्स व्हाट इट इज और कजरिया में तो मैंने फुल फ्लेज्ड मैंने कहा भाई ये फिल्म जो है ना जो स्क्रिप्ट थी एक एक बहुत ही ओवर द टॉप मतलब दो औरतें फ्रॉम टू वर्ल्ड मीटिंग तो ऐसे आई एम गोना शूट इट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री तो ये बात जो शूटेड लाइक अ डॉक्यूमेंट्री एक तो शूटिंग स्टाइल एक तरफ था पर दूसरी तरफ फिर हम उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए कि जितनी सेकेंडरी कास्ट है ना मतलब मोस्टली 90% जो औरतें सारी विलेज की ही औरतें हैं तो उनको कैसे कन्विंस किया मैंने कि ये कहानी है और आपको ऐसे कैसे करना है और वो कैसे उसमें ढल गई और किस तरह से उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया इतना ज्यादा कि एक टाइम पे जब वो फिल्मिंग खत्म हो गई तो मुझे उनको बताना पड़ा कि भाई डोंट बी मीन टू मीरा वो एक्ट्रेस है वो सच में ऐसी बुरी नहीं है तो इतनी कन्विंस हो गई जितने जो बच्चे थे जो विलेज के बच्चे थे तो वो जो लड़का था वो उसी विलेज का था उसकी तो कोई चांस ही नहीं है कि वो अपनी कोई लड़की बचाने की कोशिश करेगा लेकिन उस दिन जो उसने किया वो इट वॉज हार्ट फेल्ट और वो जो एक एक जो विलेज का जो सीन है बाय द वेल जो ट्यूबवेल के पास बैठ के जो बात करती हैं वो रियल सीन था वो सच में औरतें अपनी मेरा दो क्वेश्चन यहाँ पे आता है इमीडिएटली कजरिया से ये जिस विलेज से आपने रियल आर्टिस्ट्स को लिए जिन लोगों को लिया पहला तो ये कि आप बचपन में बंदूक चलाना कुंगफू कराटे टाइक्वांडो कुछ सीखे हो हाँ नहीं कुंगफू नहीं मेरे को बंदूक बड़ी अच्छी चलानी आती है कैरी करते हो हाँ कैरी करते हो यार इतने डेंजरस जगहों में जाने का जो जुनून है पर आप मेरी बात सच में मैंने आपको फोन पे भी बताया कि जब मैं वहां पहुंचती हूँ एक तो मेरे ना रेडार बहुत अच्छा है लेकिन मैं अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं कि बार बार नहीं करने वाली हूँ क्योंकि द सिनेरियो इज चेंजिंग बहुत बढ़ गया है पहले इतना नहीं था लेकिन मैं हर जगह अजीब अजीब जगह पे जा चुकी हूँ कश्मीर में there's been in shelling we'll been... all that we will take all that one by one what I wanted to know ki aadmi matlab aapka app bhi jo hai matlab hum bahut sari cheeze le aa rahe hai ki aapka app bhi jo hai ek metropolitan shahar ka kaun sa street safe hai nahi safe hai ye mark kariye dusro ko bataiye you understand very well that mature 360 degree thinking you have but when it comes yourself you have gone to all those dangerous places where general people in their dreams would not feel like going if they are aware of that place I'm not talking about the people who don't know what's happening in their country they only know whatever is happening to them is the country they are not people to me the people who are aware they will not go to a lot of these places where you go you shoot you sleep you stay you talk and you talk about the things which are human emotions defying
मतलब आप उस माँ से, उस नानी से बात कर रहे हो जिसके बच्चे को लटका के धीरे धीरे काट के खत्म कर दिया गया है, राइट? तो ये कैसे आप जाती हैं? एक दूसरा, दोनों जोड़ रहा हूं, और जाती आप फिर हरियाणा है, भ्रूण हत्या उसके ऊपर एक फिल्म बनाती है, रियल कास्ट लेती है, तो वहां के लोगों को कुछ स्टोरी के बारे में तो पता चलता ही है, तो शूट करते वक्त भी आपको कोई कहानियां वहां से मिली? एक, और दूसरा, या आपने जब इस कहानी को वहां नरेट किया या जो भी उनको पता चला, उनका कोई फीडबैक आया, कोई फर्क उनको पड़ा? ये एक पूरा मुद्दा है, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू दीज पीपल अबाउट होम यू हैव बीन शूटिंग. आई कम टू योर 2009 का मूवी लेटर, विच इज आउट एंड आउट बॉलीवुड मूवी, विच इज ड्रीम एंड सपना एंड ऑल. दिस कजरिया इज समथिंग वेरी डिफरेंट. It is so evolving. It is so, मतलब you just flow with that and you question yourself. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक तो मैं कजरिया, एक we'll go back to 2009 मेरे ख्वाबों में जाए, पर after I made मेरे ख्वाबों में जाए, मुझे लगा कि एक I had let myself down. मुझे ऐसे लगा. It's a stupid feeling. I should never have felt it. That I had not done anything to really let myself down. But मुझे बहुत ही अपने आप में कुछ धक्का सा लगा. So when I wanted to make Kajariya, I wanted to play to my strengths. I wanted to do what I am about. मतलब I said there should be no gap between the film and me, which is why we took the real cast, which is why we did all these things. है ना? अच्छा, ये बात जो आप कह रहे हैं ना dangerous जगहों पे जाने की बात, पहली तो बात ये है कि बिफोर आई गो देयर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, कि ये लोग 7 बजे के बाद इस जगह से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये लोग शराब पीना शुरू कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल. सो आई इट्स नॉट लाइक मैं बिल्कुल लाइक आई गो स्टूपिडली. सेकेंड थिंग इज दैट वॉट पीपल रियली अप्रिशिएट इज दैट इफ यू आर काम एंड ऑनेस्ट विद देम. मतलब आई डोंट, मैं जो मैं ऑनर किलिंग वाली, क्योंकि मैंने पूरी कहानी आपको बताई है, देयर आर मेनी प्लेसेस आई हैव स्पोकन टू बजरंग दल एक्टिविस्ट्स हु हैव शॉट प्रीस्ट, यू नो आई हैव स्पोकन टू गौरक्षक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, आई हैव स्पेंड टाइम विद ऑल दीस पीपल, एंड आई मीन आई बीन वी बीन इन शेलिंग इन कश्मीर, सो देयर हैज बीन दैट. So, but I'm using this example because when I came to the village, the first thing I did was I saw ki kuch ladke jaise hai na, wo curious ho gaye ki ye koi aayi hai, kya kar rahi hai. To ek to wo tha ki main bilkul hi unko keh dun, I'm sorry, I don't want to talk to you, ki tum log side ho jao, tum gunde ho, ye wo hai. Dusra hai ki wo log jaise chai ki dukaan thi, cigarette chai, तो वो लोग सब खड़े थे, मैं जाके उनके साथ खड़ी हो गई, तो वो थोड़े से स्टन से हो गए कि ये आ गई है. तो फिर किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्यों आए हो, मैंने कहा यहाँ पे वो जो लड़का लड़की को मारा था उस पर फिल्म बनाने आए. सीधा मैंने बड़े प्यार से ऐसे बोल दिया. मैंने सोचा कि देखो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, अगर इनको कुछ करना है, ये गुस्सा होने वाले तो अभी हो जाए. मेरे को ये नहीं चाहिए कि ये लोग अब ये 9 बजे रात को आएंगे, क्यों आई है पूछने आएंगे. अभी जो भी बातचीत करनी है, मेरी क्रू है इधर, बात हो जाए. सबके सामने पुलिस वाले खड़े थे. तो कहते अच्छा, फिर कहते हैं कि तो मैंने कहा, कहते कि मैंने कहा आपको क्या लगता है, ठीक किया कि गलत किया? कहते बिल्कुल ठीक किया. तो मैंने कहा क्यों? कहते कि ये तो करना ही नहीं चाहिए था, इन लोगों ने ऐसे गंदी बात की है, प्यार करके तो बड़ी गंदी बात की है. मैंने कहा आपको भी हो जाएगा प्यार कर, फिर क्या होगा? कहते नहीं, हम नहीं करेंगे प्यार. मैंने कहा ये पक्की बात है? कहते हाँ पक्की बात है, हम तो नहीं करेंगे. तो मैं उनसे जाके ना, आई जस्ट हैव दीज ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस. आई डिड नॉट जज देम, आई डिडंट से कि अरे तुम ऐसे कह रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, खाप ऐसी होती है, वैसी होती है. तो आई जस्ट, मैंने बिल्कुल ही जैसे अपना पासा खोल दिया पूरा उनके लिए, अब उनके ऊपर है. तो कभी ऐसे हुआ है sometimes that I've gone and they've reacted very badly, they've had a very violent reaction, I mean in the sense I not that they attacked me, but I could feel ki violence hai. To main hat gayi piche, and Kumbhmela mein the once a naga sadhu, he attacked me, I got very badly hurt. I was shooting and he was saying ki auraton ko nahi shoot karna chahiye, wo piche pada hua tha bahut dino se mere ko. So he attacked me, then I took the boom rod and I hit him because I just had to
Yeah, I hit him because he was coming for me. I was actually looking in the camera and he hit the camera. मैं बहुत जोर से लग गई, you know, he hit it very badly. And then he was standing to attack me, so I chased him with the boom rod. वो नहीं आया फिर से उसके बाद. But I don't usually get into any like physical fights. It's the thing of you understand कि यहाँ पे are they okay with me filming? Will it be dangerous later? I suss it out very quickly. And usually I start कि जैसे अगर मुझे गवरक्षक से बात करनी है तो जो गवरक्षक के जो हेड है मैं उनसे पहले बात करती हूँ कि मैं वहां जाने वाली हूँ, आपको क्या लगता है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ. सो दे ऑल आर इन द नो. आई डोंट कम कि मैं बिल्कुल हिडन कैमरा, ऐसे नहीं काम करते हम लोग. बकायदा अच्छे से सबको बता के हम आ रहे हैं और उनको अपनी व्यू पॉइंट भी मैं बता देती हूँ कि देखिए मैं ये मत सोचिए कि मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, मैं करूंगी ये भी बोल देती हूँ मैं. फिर वो बताएं मेरे को, कई बार वो सोचते हैं चलो पब्लिसिटी मिल रही है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द रीजंस आर, बट दे से यस. समटाइम्स दे से नो, देन वी डोंट गो. ओके, सो दिस इज लाइक इन पार्ट्स द ग्लिम्पसेस हाउ यू गो टू दीज डिफिकल्ट प्लेसेस एंड द स्टोरीज. So the girl from Delhi who's been doing documentaries, we have discussed about Kajaria, but how did you reach Mumbai to make your first Bollywood film? Like I just want to say one thing about Kajaria before we move forward, that कजरिया में वेन वी टुक द रियल एक्टर्स, वो जो औरतें थी जिस विलेज से थी, अगर हम वहां पे शूट करते तो वो नहीं कर पाती एक्ट क्योंकि उनके सारे रिलेटिव्स थे. तो सो वी ब्रॉट देम टू अनदर विलेज, ओके, दे डिडंट नो एनीबॉडी, सो दे वर वेरी फ्री एंड दे वर लाइक नॉट हैविंग टू अटेंड. तो उनके लिए एक हॉलीडे सी हो गई थी. टू मेन केम वो लोग, सो दैट्स हाउ वी मैनेज. Yeah, so that's, I mean, it's a thing of half the success of being working like this is understanding what you're working with. That is the main thing, ki aap agar top down approach pe nahi hoga aapka kaam, andar ghusna padta hai aapko basically. मैं ना एक्चुअली कजरिया पे और आऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजें, वहां से हम गौरक्षक पे भी जाएंगे, सब पे जाएंगे, बहुत सारी इंसिडेंट्स है. मैं आपकी वो जर्नी थोड़ी सी कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ. ये सब काम करते करते अचानक कैसे बॉलीवुड में कैसे फाइनेंस, और ये क्वेश्चंस आप साथ ले सकते हो. जी जी. हाउ इज अ वुमेन डायरेक्टर ट्रीटेड इन बॉलीवुड इंडस्ट्री? ए, डू दे लुक एट यू विद अ क्वेश्चन मार्क दैट अरे फिल्म बनाना सीख ले तो ही फिल्म बनाने आ जाओगी, वुमेन डायरेक्टर हो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, क्या ऐसा आपने फेस किया? और फाइनेंस लेते समय कितनी डिफिकल्टी हुई? और जब आप फिल्म बनाने जाते हो, बेसिकली अभी की जो परिस्थिति है उसमें आप जेंडर में, आप बेसिकली जेंडर न्यूट्रल हो, यू हैव टू बी मोर concerned that since you are a woman director, you will make the atmosphere more easier so that nobody can say, अरे वो तो औरत डायरेक्टर है, उनके साथ तो स्याप्पा लगा रहता है. So you have to be more conscious about that. There are a lot of things which you, had you been a male director, you could have just done it and moved ahead. But no, you have to be more conscious. Yeah. Do you feel that? Yes. आपकी जर्नी काफी लंबी है, आप पिछले सदी से इस सदी तक आए हो तो, और उसी इंडस्ट्री में रहे हो. क्या आज ये 2015-16-17 जब ओटीटी आ गया, वोक जनरेशन आ गई, सोशल मीडिया आ गया, हाथरस पे हम यूं ही बातें उड़ा देते हैं, एकदम वोटिंग पोल्स आ जाती हैं, लड़कियां खुल के बोल सकती हैं, वस्तुतः ग्राउंड लेवल की परिस्थिति में फर्क क्या है? इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं, लेट्स टेक देम वन एट अ टाइम. तो क्या है कि पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द जर्नी, लेट्स स्टार्ट अबाउट व्हाई आई केम. तो आई वाज डूइंग फिल्म्स फॉर द वेस्ट, बट द थिंग इज कि देखिए चैनल 4 या बीबीसी जो फिल्म्स बना रहे हैं, दे आर मेकिंग फिल्म्स अबाउट इंडिया फॉर ब्रिटेन. They're not making it for India, right?
तो उनकी एक व्यू पॉइंट है, एक फोकस है, एक जगह है. दे डोंट नेसेसरली वांट टू टॉक अबाउट मॉडर्न टॉपिक्स, क्योंकि दे वांट टू टॉक अबाउट एंशिएंट एंड कल्चर एंड दीज आर थिंग्स दैट फैसिनेट देम और दीज आर द थिंग्स दैट आर इंटरेस्टिंग टू देम. सो rarely would you have like a progressive story. In any case, when I was making it, though, it was very clear for them ki aise hi banni chahiye film. So main thak gayi wo kar kar ke, and I just one day was going on the road, kuch naga sadhu ja rahe the, to wo kehte hai, "Are Madhurita ji," maine kaha ye bahut ho gaya, ab on the road naga sadhu just calling out to me, maine kaha time to move. To mujhe laga ek हमारी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जो फिक्शन फिल्म इंडस्ट्री, एक जेन्युइन इंडस्ट्री है. मतलब इन द सेंस पैसा, हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो बनती है बॉक्स ऑफिस पे, फेल या पास हो जाती है, यू नो. तो एक जेन्युइन सा उसका साइकिल है. सो आई, बिकॉज मेरा एक्सपोजर इंटरनेशनल का था, तो मैंने फिल्म जैसे उसको अप्रोच किया, इसको अप्रोच किया, यानी मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी. मैं दिल्ली में रहती थी, मैं बॉम्बे आई, कुछ स्टूडियो से बात की, उन्होंने कहा हमको स्टार कास्ट ला दो. मैं स्टार कास्ट ढूंढने लगी, किसी ने मुझसे बात नहीं की बहुत दिन. फिर कुछ एक्टर्स थे, उन्होंने हाँ कर दी. पीवीआर वाज जस्ट स्टार्टिंग, मतलब नॉट जस्ट स्टार्टिंग, दे हैड डन आमिर खान फिल्म्स, बट दे वर लुकिंग. तो मैं उनके पास गई और मुझे फाइनेंस मिल गया. तो इट टुक अ लिटिल टाइम, बट इट वॉज नॉट डिफिकल्ट. ओनली थिंग वॉज दैट वॉट वॉज वेरी अम्यूजिंग वॉज दैट when I in the beginning I used to go to studios, so they used to often send me to the audition room, because they thought ladki aayi hai to kya karegi. So I just, it take me some time, and first it used to make me angry, then I started laughing, because I thought ki ab you can't get angry every time, you know. Moment you walk in, they'll say aapko idhar jana hai. Maine kaha nahi, mere ko producer se milna, nahi aap producer se abhi nahi milna, pehle wahan jana hai. उनको पता है वहाँ क्या हो रहा है, यू नो. ऐसे आप ऑडिशन कर रहे हो ना, हाँ मैं डायरेक्टर हूँ. देन दे लुक एट यू लाइक दिस कि हो सकता है. आई हैव सैट इन अ मीटिंग विद वन फाइनेंसियर हु डिडंट से अ वर्ड बिकॉज ही वाज एक्सपेक्टिंग अ मैन, एंड ही केप्ट सेइंग आप ही डायरेक्टर हैं. उसने दो तीन बार मुझे पूछा, आप ही ने लिखी है, आप ही ने किया है, ऐसे ऐसे बोलता गया मुझे. सो वन हैज बीन थ्रू ऑल दैट. फॉर्चुनेटली आई थिंक बिकॉज we are directors, and because I don't know why, I didn't face any of that murky stuff, you know, which a lot of women have faced, and especially actresses. They, all my actresses, I mean, most of my actress friends have faced something god awful has happened to them. I didn't face that, but I think wo jo very easily jo mere ko film mil gayi usse, because what I have discovered now is that Bombay film industry is not different from the rest of the country. At the end of the day, it's within the country. So they have their own little caste system. They have their own little hum apni jati mein rahenge kind of thing. And they didn't like an outsider coming in and wanting to straight away become a Brahmin, you know. It was like that. So I had some serious pushback, and I'll not be dishonest. I really suffered. I really went through a horrible time, and someday I want to write about it, because I just didn't know what was happening around me. I couldn't understand what the things were at play. I got knocked around, and the result was that I didn't make the film I set out to make. And this was, I think, my first professional setback, because till that time मैं कुछ भी बनाती थी, मुझे अवार्ड मिल जाता था. मैं मतलब एक तरह से एरोगेंस आ गई थी कि इसका तो कुछ हो ही जाएगा. एक किया, दूसरा अपने आप आ गया, यहाँ गए तो वैसे हो गया. तो ये पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि एक काइंड ऑफ कलेक्टिव पुश बैक हुआ. तो फिर मैंने मेरे को एक लगा कि मुझे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए पहुँच गई थी, लेकिन फिल्म मेकिंग इज नॉट जस्ट फिल्म मेकिंग, it's also you yourself, because jo creative arts field hai usme the distance between us and our craft is not there, it's zero. to jitna aap apne aap ko understand karenge utna acha aapka craft hoga. to main ek tarah se gusse mein wapas aa gayi delhi, aur
मैंने सोचा कि मैं अब किसी तरह से कजरिया बनाऊंगी, और मैंने बनाई। मतलब कजरिया आपने 2009 में सोच लिया था? अरे उससे पहले ही मैं सोच रही थी, बहुत सालों से सोच रही थी मैं। लेकिन when I came back after, मतलब 2010-11 में मैं आ गई वापस, मैंने कहा मैं यहीं से बनाऊंगी एंड दिल्ली से बनाऊंगी एंड जेन्युइन बनाऊंगी। मुझे बजट आई डोंट केयर, तो मुझे 5 रुपए दोगे मैं बना दूंगी, मुझे ऐसा था। तो फिर मैंने कजरिया बनाई। तो जो आप ये कह रहे हैं ना अबाउट द जर्नी ऑफ वुमेन एंड हाउ डायरेक्टर्स आर ट्रीटेड एंड हाउ डायरेक्टर्स आर ट्रीटेड नाउ, जो उस टाइम जब मैंने शुरू किया था तब तो बिल्कुल ही एक जैसे अननोन चीज थी, हम बिल्कुल ही एक क्यूरियोसिटी फैक्टर थी कि अच्छा। लेकिन फिल्म मेकिंग स्कूल में हम गए, इसका नोबडी कुड केयर लेस। इसे कि मैं फिल्म पढ़ के आई हूँ तो मेरे को कभी अभी किसी ने कहा किसी दिन, अरे वहां पे तो जाके सब लोग मजा करते हैं फिल्म स्कूल में, कौन सीखता है वहां, इस तरह से कि हमने मतलब हम जाके पागलों की तरह पढ़ पढ़ के समझ समझ के दूसरों की फिल्में देख देख के, वो उसका कोई मायने नहीं। तो फिर मुझे ये भी कहा गया कि किसी के साथ एसोसिएट हो जाओ, और एक तो मैंने ज्यादा ट्राई भी नहीं किया और ना किसी ने मेरे को कहा कि आ जाओ हमारे साथ काम कर लो या कुछ। तो मैं एक तरह से अपनी अपनी आई वाज ऑन माय ओन ट्रिप सॉर्ट ऑफ यू नो। तो लेकिन हाँ, how easy was it, you know, I mean now when I see other people's journey, getting the first film was easy but making it was just impossible. And what kept you? What was impossible? Matlab ki log mere set mein, what was it that kept you going? Creative vision. Mujhe film dikh rahi hai, I can physically see it, so I have to now deposit it somewhere. Kahin pe to jayegi na. तो वो क्रिएटिव विजन, तो दैट वाज द ओनली थिंग कि मैं खड़ी हुई हूँ सेट पे और मुझे वो ऑलरेडी लेंस किस लेंस में क्या है दिख रहा है, तो बाकी सब बकवास चलती रहे तो ये तो मुझे दिख रहा है ना, सो आई कुड कीप गोइंग फॉरवर्ड। एंड आई हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग थ्योरी, देयर आर टू वेज टू प्ले लाइफ एंड इट कैन बी क्रिएटिव, इट कैन बी एनी थिंग। वन इज कि यू स्टार्ट प्लेइंग देयर गेम, मतलब कि तुम उनकी तरह कनाइव करो, तुम उसकी तरह किसी की जिंदगी बिगाड़ो, कुछ अपने वो कैंप्स वगैरह जो भी बनाने बनाओ, या फिर तुम ये करो कि जो मैं हूँ और मैं करती जाऊंगी, अब उसका सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं, तो वो आप देख लो एंड जो चीज आपके साथ अलाइन होती है। तो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप इस तरह से अपने लाइफ को सोचें कि लाइफ इज अबाउट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट नॉट जस्ट मेकिंग अ फिल्म, राइट, इट्स अबाउट यू योरसेल्फ, इट्स अबाउट जॉय, इट्स अबाउट हाउ हैप्पी आर यू, हाउ इवॉल्व्ड आर यू फीलिंग, हाउ डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। तो देन द सेकेंड वे इज बेटर, क्योंकि मैं कौन हूँ आप मुझे बताइए, कल मेरे को अगर ऑस्कर भी मिल जाएगा तो 50 और लोग हैं ना जिनको ऑस्कर मिला है, मेरी जिंदगी जो स्मॉल लेवल पे है बदलेगी नहीं, बिकॉज आई विल बी द सेम पर्सन हु विल गेट अप एंड द सेम पर्सन हु गोज टू स्लीप। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू मेक पीस विद दैट, एंड वंस यू डू देन एवरीथिंग आउटसाइड बिकम्स सो मच इजियर बिकॉज द चॉइस इज क्लियर। मैंने करना ही नहीं, वो जब वो होगा ही नहीं मुझसे, आई विल डू इट बैडली, आई विल फेल एट इट, दिस इज गुड फॉर मी। तो मेरा ये है कि मैं डट जाती हूँ एंड आई जस्ट ट्राई टू गेट स्पेंड एज मच टाइम ऑन क्लैरिफाइंग माय विजन बिकॉज दैट्स ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं लिखती हूँ बहुत। नाउ दिस इज बीन अ जर्नी ऑफ सेल्फ एवोल्यूशन, सेल्फ डिस्कवरी। Madhurita in 1999 did not know what she would be doing in 2009. And wow. In 2009, after Arbaaz Khan and Raima Sen or Riya Sen, those are big names, not the biggest, but big names for a director starting for the first time, they are kind of stars. Yeah. They are, yeah. And the tandems are bigger than the stars.
you must have faced. They were not away from me. It was not them, by the way. They were quite lovely. Raima and Arbaaz were amazing. It was not them. It was a group outside who just was very threatened by the fact. I don't know what it was. I mean, I don't think unki motivations apni hai. But they tried to swindle me of money. Is tarah ki cheeze hui. But it was not them. They were wonderful. I just want to say they were actually very, very great. Yeah, yeah. I have similar experiences in and around a similar time, 2010-11. I went, I saw, I paid, I did, I made the movie. The movie bombed. I came out, but the entire crew was good. But the people outside, ki iska payment clear nahi hua, ye paise de do, hum aapka picture release nahi hone denge, uska naam nahi likhoge, to ye paise dene padenge. Matlab, I have been to all the associations, to all the Shivaji Park ke paas ke houses. I have been to every place, and whenever they called, I said, I don't know who you are. So I can absolutely understand what you're saying. None of the person in the cast gave me any kind of trouble. Yeah, that's perfect. Now, it is like you are a writer and a director, and you yourself don't know which of it is first. Are you a writer first and a director later, or a director first and a writer later? You have evolved. Both the things have evolved. Now, when you make a movie like Kajaria, which is loved, liked by the critics, about the people, I would come to that later. So which Madhurita is happier after watching the movie, the director Madhurita or the writer Madhurita? The viewer Madhurita. आपके जो दोनों क्रिएटिव फैकल्टीज हैं, आई थिंक डायरेक्टर, आई थिंक आई लव यू, आई एंजॉय द डायरेक्टिंग मच मोर. आई मीन आई लव राइटिंग, बट आई फील लाइक राइटिंग जैसे घर की खेती है, यू नो, लाइक आई जस्ट कैन राइट एनी टाइम विदाउट थिंकिंग, यू नो. बट विद डायरेक्शन इट्स लाइक द टूल्स दैट यू हैव आर जस्ट एंडलेस. कि वो कॉम्बिनेशन जो है ना, लाइक सोचना शुरू कर दो तो यू कैन जस्ट बी इन. आपके डायरेक्टोरियल स्टाइल के ही क्वेश्चन पूछता हूं जी. दो तीन एक साथ दूंगा ताकि आप स्टोरी के हिसाब से बोलो. स्टॉक वर्सेस डिजिटल एक, सिंक साउंड वर्सेस डबिंग दूसरा, और तीसरा लॉग्ड स्क्रिप्ट या आप स्क्रिप्ट ऑन द सेट भी करते हो एज पर द सिचुएशन, एज पर कि वहां कितना एक बंदा उसको चेंज कर सकता है. एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट यू गो थ्रू बिफोर द शॉट टेकिंग? व्हाट इज द प्रेप? इज इट मोर अबाउट द फिजिकलिटी, दैट इज द लेंसेज, द पोजिशनिंग, और इट इज अबाउट द इमोशंस? दीज आर 3-4 क्वेश्चंस व्हिच वुड डिफाइन योर, like you are telling about tools. So what are the tools? Emotion is a tool. Yeah. Lens is another tool. Light is another tool. The script is another tool. So how, what is there any priority, any process, or you go as per your gut call? And no, so what I do is before any scene, I decide what is the emotional subtext of the scene. Is it mystery? Is it sorrow? Is it horror? Is it joy? Is it love? I try to give it one word internally to myself. And then I design the shots to bring that out. So for example, if it is a scene like in Kajaria, I kept a thriller element a lot. So if you might have seen, I use some like a lot of thriller shots, like shots that you would use in a thriller film. Because the drama element was already so strong, so I used the words that were a lot is mystery, discovery, horror, these kind of. And then I use the camera to convey it. So what do I keep in the foreground? How does my actor move? Where are we standing? And how is it lit is determined then by that. And Kajaria, because it is a film about points of view, meaning एक तरफ कजरिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा विलेज का पॉइंट ऑफ व्यू है, तीसरा ये लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू है, चौथा हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है. द एंटायर फिल्म इज शॉर्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू. इफ यू सी, इट्स ऑलवेज समबडीज पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई टुक दैट एज अ डिवाइस. सो
for me, the camera becomes, and the lens and the lighting and whatever, background score, actor ka costume, sari jo, whatever is production design, whatever my tools are, become just implements I use to convey what I emotionally want to convey. So emotion is absolutely the central thing. Uske bina to baat nahi banegi, number one. Uske bina to baat hi nahi banegi, kyunki jo dekh raha hai, usko aapki camera work se koi matlab nahi hai. Usko bahut hi kam log hai jinko samajh mein aayegi, lekin wo emotionally samajh jate hain. Ab ye maza ye hai ki hamare paas itne implements hai to make you feel so many things you never thought you'll feel. You know, and that's the joy of filmmaking. कि मैं आपको कहाँ ले जा सकती हूँ? आप बैठे हैं, take you anywhere. You know, so that is my central joy actually. मतलब मैं putting layer on layer on layer कि पहले ये आपने लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और then मैंने आपको कहाँ पहुँचा दिया उसके साथ? You know, if I do successfully, so it's a real joy. That is what I just. I mean, I live for that. So even just thinking about it, sometimes when I'm seeing a film, I'm seeing those layers, you know, some really good film, you can see what they've done, you know, kahan pe, what they've placed where and all. It's just endlessly fascinating. It's like a puzzle which you can make in 100 ways and is right every time. So that combination is amazing. Up through all that, the most important thing, emotion ho gaya, aapke wo ho gaya, aapki voice kya hai? Who are you? Yes. That who are you question is what it makes the difference between a director and auteur, or a storyteller and a director. Because with a storyteller, wo banda apne aap ko le aata hai. Ye acting, this is true also of acting. For example, some brilliant man like Irfan. Why was he so brilliant? He was always Irfan, but he was always Irfan plus whoever that person was. He was Irfan. So and so. वो बनने की कोशिश नहीं की, उसने ये नहीं किया कि अपने कॉस्ट्यूम बदल लिए, नहीं था वो ही, लेकिन वो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो गया. तो उसकी अपनी वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग होना इज अ वेरी सेंट्रल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड वो वॉइस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको इंटैक्ट रखना पड़ता है. उसको इंटैक्ट रखने के लिए आपको अपनी इंटेग्रिटी चाहिए होती है. वो इंटेग्रिटी रखने के लिए आपको कुछ इंट्रोस्पेक्शन रखनी पड़ती है. सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क विद योर सेल्फ. It's not just work with the camera. Critical acclaim versus paisa? I mean, in an ideal world, both. But I would go with critical. No, actually, I don't know. Depends on the film. Like the next film I'm doing. आज तक मेरे को ना इसका correct answer किसी ने नहीं दिया. मैं है ही नहीं actually कोई answer इसका. नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, film पे निर्भर है. आपकी film जब आप बनाते हो ना, you know what you're going after. So with Kajariya, we were going after critical acclaim. My next film, O Mere Piya, we are going for a mass. Like, I want more people to see it. Ab money, the thing is, that has many, there are many reasons why a film makes money and doesn't make. But I'm just saying, you're talking about eyeballs versus critics, right? So yeah. I'm saying, yeah, so my thing is that the best is ki dono ho jaye. Agar dono nahi hota, to you have to choose ki what is your film trying to do. What is it you want, like the film, next film that I'm making called O Mere Piya, I want it to have many eyeballs because I'm making it for an Indian audience. I'm very clear about it. Now, if I get some critical acclaim, superb. Okay. I take that. I understand that. Like, आपका target क्या है? आपका target audience क्या है? आप किस लिए बना रहे हो? जैसे हम इसको वहीं पे बोलते हैं, basically festival circuit के लिए. हाँ. ये parallel cinema है. ठीक है. जैसे अगर उसमें आपके cast पूरे unknown है, अरे festival circuit के लिए वो 20-30 festival घूम के आ जाएंगे award show award लेके. अब वो release होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम. But the best part about Kajariya was it was released. Yes. Now I could not get the details of the release. How was it financially? So the thing is that actually we didn't make money on the release. I mean, I'm telling you honestly, we did a very limited release. There's no way we could have made money. The amount of money we put in, we would have had to get more theaters, meaning more money. That whole game is different. We did a limited release so that we get a really good sale on Netflix, which we got. And this, yeah, it was on Netflix for 2 years. And now it's on Amazon Prime.
So we did. So I'm just saying that that's how we did it. We did the theatrical because theatrical films have more premium. Absolutely. Yeah. There are 16, 17 rights which you have, but all those rights are activated only when there is a theatrical release. Right. So there are people who do theatrical release in 3 theaters. If you do it in 100, 150 theaters, fair enough. You go to about 20, 25 cities, you promote as much as you can through social media. What we did with Kajaria was we tied in with 21 NGOs. So the NGOs so we did a lot of work. So what happened with that was for the NGOs, I told them you can take this film and use it as you like for your matlab jo bhi purposes hai ki aapko kahin road show karna hai kahin auraton ko dikhana hai. I went also to some places and I turned up for the screenings in various cities and semi-rural areas and things like that. I've gone. So, but what we did was that the 21 NGOs then did some parts of, they bought tickets in some cases. In some cases, they did our tour, like our city tours. ActionAid did all our city tours. We went to many cities and they flew us there. They did the press conferences. So we did the tie-in. So we weren't taxed. And yet we were able to put on a good show. It was a tax-free film, finally. Pardon me? Was it a tax-free film? No. It was not. Okay. We couldn't. We were tax and everything. You have a fantastic story about the censor board. What the censor board told you after this? So I will add one more question because jitne lambe question do utni story nikal ke aayegi. Are you a reformist first and then a filmmaker? Because I heard your story. Or a filmmaker and reformist. Or a filmmaker, from that, if the reformist thing comes out, then good enough. Or when you write, you have soft spot for few issues, gender being one of them. So you craft your movie in such a way that those points come up. How is it? कुछ प्रोसेस है या ये दिल से जैसे आता है फिर उसको दिमाग से जोड़ के रखती हो सब? तो सेंसर बोर्ड की कहानी मैं पहले बताऊं कि सुरेश आंसर सेंसर बोर्ड से यहां आएंगे क्योंकि सेंसर बोर्ड की वो कहानी आपके इस काम करने के ढंग का पुष्टिकरण करती है. जी, इट एक्चुअली कंफर्म्स द वे यू वर्क बिकॉज़ एवरीथिंग इज नॉट अ प्रोसेस. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच इज यू, राइट? So that you has its build up from childhood, you have already built it up. Yeah. Today, in retrospect, you can say, okay, that is possibly my process. So I want you to take the story like that. So what happened at the censor board was, first of all, the censor screening was happening in Bombay. We were in Delhi and I was told ki tum aa jao kyunki panga to hoga hi hoga. So I came and I sat down and this was before Pehlaj Nilani, just before him. So it was Leela Samson's time and I was sitting outside of wo censor agent mere sath baitha hua tha. Khair maine kaha, maine bahut logon ko phone kiya, maine kaha aa jao mere sath baith jao, koi aane ko taiyar nahi tha. Ye you know, there was ladai jhagda hone wala hai, hum kyun bade beech mein kind of. Main khali ek cheez bolna chahta hu yahan pe, khali ek cheez. Ha, meri movie ka same kahani hai. Ha, आप बोले कोई चलो मेरे को, मेरा मेरे साथ जो मेरा पार्टनर था, हम दो जन मिलके बना, भाई तू जा, हम रहते थे कहां, अंधेरी से सेंसर ऑफिस कहां है आप जानते हो, भाई तू जा, हां रात तक आ जाइयो, लड़ना मत. आई वाज गिवन 215 कट्स. ओ माय गॉड, आई द कंप्लीट ऑपोजिट. मैंने सरदार के यहाँ पे रेजर लगाई थी, मैंने ब्राह्मण के चुटिया काटे थे, ऐसी ऐसी पे उन्होंने लिया. मैं बोला मेरी स्टोरी नहीं बनती इसके बगैर. तो उनका कहना क्या, इसको ब्लर कर दो या किसी टेंपल से लेटर लाके दो. मतलब दे वेर ऑल बॉदर्ड अबाउट देयर कुर्सी. फिर मेरे को एक अच्छा पॉइंट समझाया था, गाय हु वॉज दी सेंसर चीफ लाइक सैमसन के पहले, जस्ट पहले, ही वॉज एन IIT IIM एंड IAS. He says, sir, movie में बहुत complete है, but in isolation इसको लेके
वायरल करके बवाल हो जाएगा, हमको वो नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला आप अपने सेंसर बोर्ड की स्टोरी बताओ, और उसके पहले ये बताना जरूरी था क्योंकि मैं झेला हूं और आप उसी चीज का उल्टा बता रही हो, सो दैट इज टू मी यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा भी बोलते हैं, दैट इज ब्रिलियंट। सो प्लीज ओवर टू यू एंड यू आर फुल स्क्रीन नाउ, आई विल चेंज माय बैटरी टिल आई लिसन टू यू, सो यू टेक योर स्टोरी प्लीज। ओके, सो आई वेंट टू द सेंसर बोर्ड एंड वहां पे गए एंड मैं वेट कर रही थी बाहर एंड आई वेंट इनसाइड and when I walked in the credit roll had just gotten over, matlab the song was going on and they were all sniffling and crying and all that, and then one of them said to me, he said ki aap bahut achhi film banayi hai wagaira, usme ek cast ka mention tha, so they said you'll have to beat that cast ka mention, so I said okay that's fine, this is lekin ऐसे आगे कोई कट वगैरह, कहते हैं नहीं आप ना देनो कट्स, लेकिन हम आपको ए सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सो आई गॉट अ बिट लाइक ग्रीडी, आई थॉट कि अच्छा अगर ए सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो अगर मैं कुछ कट्स कर दूं तो हो सकता है मुझे यू ए मिल जाए, यू नो। सो ऐसे अगर मैं एक आध गाली काट दूं तो आप यू ए दे देंगे, तो कहते हैं एक भी गाली मत काट दूं, अगर ये गाली नहीं देगी तो इसका समझ में नहीं आएगा। I have never heard anybody ever tell the story of the censor board. They just were so touched and they had tears in their eyes and they just said, there's no need to cut anything. So that was a positive surprise, but we got an A certificate, which is fine. I think ki jo hamari audience hai, in any case, bachchon ko dikhane wali film thi bhi nahi wo, hai bhi nahi wo. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू। या नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये जब आपने मूवी बना ली और ये सेंसर से मिल गया, तो उसके बाद मैं ये पूछ रहा था रिफॉर्मिस्ट वर्सेस द डायरेक्टर, हाउ डू यू फील दैट? मैंने आपको एक पहले जो बात कही थी, व्हिच इज दैट यू कांट द पर्सन यू आर and the film you make, you can't really separate the two. People try ki hum aisi film bana rahe hain, waisi film bana rahe hain, and I'm not, but your politics and who you are, it comes through. Now you can either claim it or you can disown it. So I claim it, whoever I am, whatever I am, I let it come out. So it's like my art and my craft and me are the same. And even if I make a full-on commercial film, like I've written a superheroine script, which I've turned into a book, even that will have my politics or my thought process in it. So what is the next film that you are planning to write now, or you have already written? I'm sorry, I'm back. I had a battery issue. My camera battery needs switching. No problem. So what is the next film all about? It's a pretty very simple topic, like you write on very simple topics. So your next film also is on a very very simplistic thing. People will take it with, oh wow, ye abhi tak nahi aaya tha, main chahta hu ki aap uske bare mein bataye, fir hum gaurakshak pe jayenge. It's about the female orgasm, but I'm talking about it in the context of a marriage, so it's a very gentle film. It's not a ki ye it's to me the female orgasm is more about the woman knowing her anatomy and having her agency. It's not about ki sexuality, kyunki wo to aapki individual choice hai. And jo ye do sentence bola na, ye generally logo ko decipher karna thoda mushkil hoga. You are talking about the agency and you are talking about this, ये थोड़ा सा और खुलासा करके बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सेक्सुअलिटी का मतलब भी सेक्स होता है और आपने जो वुमेन जो औरत है उसको ये उसकी अपनी व्यू पॉइंट अपनी सेक्सुअलिटी पे क्या है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसकी मर्जी भी एक चीज है, वो कब चाहती है, वो एग्जैक्टली उसकी मर्जी, उसकी चाह,
उसकी वुमेन की चाह होती है जी, वुमेन की चाह होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो आदमी की जो ड्राइव है उसके ऊपर इतना हमने स्ट्रेस किया है कि एक सोसाइटी बिल्कुल ही लॉपसाइडेड हो गई है एक तरह से। क्योंकि बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि जो आदमी है उसकी जो सेक्सुअलिटी है उसको तो किसी तरह से केटर करना ही करना है। आप हमारे लॉज ले लीजिए, उसी को केटर करना है, उसी को केटर करना है। अब उस 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 चक्कर में कितनी खराब चीजें हो रही हैं कि मतलब आप छोटी छोटी लड़कियां कहीं से ला के कहीं बैठा देते हैं इसी एक सिंगल प्रमाइस पे, और आदमी बंदर है क्या? क्या वो अपने आप को कंट्रोल कर नहीं सकता? अगर कल उसका बॉस कहता है कि तू बैठ जा यहाँ पे 8 घंटे, तो बैठ जाता है ना, कर लेता ना कंट्रोल, गुस्सा तो नहीं करता, उसको मारता तो नहीं है, तो उसकी सेक्सुअलिटी भी तो कंट्रोल कर ही सकता है ना। एंड इट्स नॉट अ नीड, हम कहते हैं कि अरे उसकी नीड है, नीड नहीं है, नीड है खाना, पानी, हवा, शेल्टर, प्यार, ये नीड है। जो सेक्सुअल है ना वो आपकी जो नीड है, इट डज नॉट नीड टू बी सैटिस्फाइड विद किसी और के साथ। आप कहते हैं उसको आउटलेट चाहिए, तो सिर्फ वो ही एक है जिसको आउटलेट चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए। शायद यहाँ पे हम दो वर्ड ला सकते हैं, सेंसिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी। बिल्कुल, दीज आर टू थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी ड्रिवन होम स्पेसिफिकली इन द मेल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। Absolutely. And it has to start from the ground zero level. We all are. अपने आप को empower करें आदमी, क्योंकि आदमियों को बताया गया है कि देखिए आपकी sexuality controllable नहीं है। अब इसी premise पे हम आपको कुछ भी चीज एक अधनंगी औरत को लगा के बेच देंगे, औरत आपको फोन करेगी, आप resist कर नहीं पाओगे, तो आप पागल की तरह बना दिया है ना आदमियों को। आदमियों को कहने नहीं, देखो I'm in control of myself, मेरा बेवकूफ नहीं बनाओ। लेकिन बात ये कि अगर जो अभी जैसे जिंदगी सबकी चल रही है उनके लिए ये पासा ठीक पड़ा है, उनको अच्छे लग रहा है, दिस इज गुड फॉर देम, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसी में उनका कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है ये वो सोचते नहीं है। वो अगर सोचना शुरू करें तो कितने स्ट्रांग हो जाएंगे, कितने खुश हो जाएंगे, पता भी नहीं है। नहीं, ये तो आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली यही जो एक छोटा सा स्फीयर है ना, इस स्फीयर को ही अगर समझा जाए तो भ्रूण हत्या, जेंडर इक्वालिटी, रेस्पेक्ट टू वुमेन, सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी, कंट्रोल, अ नो मींस अ नो, शी इज इक्वली अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू, the mental trauma, ये सब चीजें actually जड़ इसका एक बहुत छोटा सा स्फीयर है जिसके बारे में न हम बात करना चाहते हैं, न वो टेबल पे उठ सकती है। sexuality and sex is equal to same, you were trying to do something for the pornography, like how legal is pornography, what should be watched, what should not be watched, child pornography should not be distributed, which should be a fact which needs to be told, maybe even in schools. Schools mein, no. Biology ka wo chapter hi kahi samay nahi padhaya jata. Ye to humari society ka structure hai. Hum culturally itne shallow nahi hai. Hum culturally isse bahut zyada rich hai. Lekin narratives over a period of time because of bad leaders, bad leadership and our acceptance. Uska hum patriarchal naam de sakte hain. जो भी नाम दे ये उसकी परिस्थिति है। Really, actually it's not the leaders. Indian society is deeply hypocritical. और ये it's a fact. हमको बड़ा मजा आता है, हम कहते हैं we are family, और child abuse rates देख लो, domestic abuse rates देख लो, हमारी Indian family पे तो हम बात ही करना बंद नहीं करते, we have an imagination. वो मेरा सब्जेक्ट है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे वी सपोर्ट साक्षी एंड वी आर वर्किंग डेली ऑन दैट। सो व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट योर थिंग, व्हेन यू आर आस्किंग फॉर फंड रेजिंग एंड फेल्ड विशबेरी, सो वी कम फ्रॉम द सेम घराना,
सेम क्वेश्चंस, ओहो हो दिस इज वेरी गुड, बट यू नो सीएसए से ये फंड देना मुश्किल है, सो दैट्स अ सेपरेट प्लेटफॉर्म. आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वो मैंने बना दी हम भी बना रहे हैं, एक तरफ तो हम मांग भी रहे हैं और एक तरफ हम बना भी रहे हैं, तो ये तो करना ही पड़ेगा. तो इसका ना एक मधुरिता जी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म में बना रहा हूँ वेयर लाइक माइंडेड पीपल एंड वी विल हैव अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस. सो यू आर देयर साक्षी, इज देयर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस बिकॉज दिस नीड्स टू बी चेंज्ड, व्हिच इज व्हाई आई आस्क्ड यू कि डोंट टेल मी द नेम ऑफ योर मूवी, इट टेल्स नथिंग. Tell me the concept on which you are making. Samit, I'll take your question. It's a big question, but I'll take that question. So this is very interesting that we need these kind of movies to come in. Because isi mein, nobody thought that a movie like Vicky Donor could do so well. I so think the audience is much more mature than us. That is what I was coming to. That the people sitting there who are making films, again about them you have told a lot of things, yeah. They are not aware what the country is all about. Your Odisha visit has opened up a lot about you, because Odisha, I have visited that place and I know what where you are coming from, the missionaries and the Dalits and all those people, what's happening there, it's mess, right? So you learned so much. अच्छा ये हमारे देश में होता है. फिर हरियाणा में आपने जो फिल्में बनाई, कमाल का शॉट है जो वो लड़की जाके खड़ी होती है और वो सब हुक्का वहां शाम हुआ नहीं, हुक्का चालू, ताश खेलना चालू, सब बातें चालू, वहां ताश की पत्तियां गिरती है और क्लोजअप होता है और वहां से कहानी उठती है और वो कहानी खुलती है बॉयफ्रेंड के साथ और कट्टू जाता है बॉयफ्रेंड की माँ के पास और उसके बाप का एक कमांड एक एक कमेंट आता है, नहीं नहीं लड़कों सही तो वो खानदान चलता है चाहे इसके जैसे निखट्टू ही क्यों ना हो. सो अ लॉट मेनी स्टेटमेंट्स मेड एंड दीज आर एक्चुअली रियली द इश्यूज. वी हैव लो एडवर्टाइजमेंट्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, इसमें वो करिए, दुनिया भर का ये डायपर पहनिए, ये करिए वो करिए, यार ये भ्रूण हत्या वाली बात क्यों नहीं आती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहानी खत्म. आई विल टेक यू टू अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम हियर. सो मूवी मेड, मूवी डन, मूवी रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम, विच इज अ बिग बिग फैक्टर, अ गुड जॉब डन. OTTs आर ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म्स. नाउ व्हाट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस. अच्छा एक क्वेश्चन रह गया जी, दो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है आपके लिए. सिंक साउंड वर्सेज डबिंग एक, और सिंक साउंड, डेफिनेटली सिंक साउंड, हेट डबिंग. I mean dub only when the sync sound is not right. Definitely sync sound. Huh. Okay. And stock versus film. Stock versus digital. I like the romance of stock, but filming on digital is definitely much better for me. Okay. There is a big question. I'll take that. This is Samit Dev Sikdar. Madhurita ji, hello. Festive greetings. Have two queries. Creativity is all about simulations. It's about constructing something in your mind. So how easy or how difficult it is from the director's perspective to establish that communication with various teams and individuals in the project and then get them understand with clarity the end product that they are expected to work towards. Yeah. Good one. Do you feel India has come of age when it comes to quality movie making? Okay. So first thing is that it's a very interesting question, the first one. It's a lot of talking. Like you have to really, really talk to every single person about their aspect because they just do not at all know where you're coming from. They may have read the script. They are not seeing the pictures like you're seeing them. Lekin, it's not just about communicating to them simply like,
oh, there's a cloud and there's a woman running, and it's not like that. Because for the cinematographer, he needs lenses, he needs where is he standing, what is happening in the shot. The costume person needs to know why is she wearing this costume now and why will she wear that costume later, what is the journey, what is happening. So that then, so on and so forth. So each department needs their own brief and needs the brief according to their department. And that has to be done in great detail, and you have, it's a lot of like communication and talking and talking and talking and always being available. That's one thing. And second thing is to give them as many references as you possibly can. So you spend a little time trying to get them references of like colors and light and things like that. And usually, matlab, I think through things like color themes. I think through things like makeup or no makeup, why is there makeup, what makeup. I think through lenses and all that, and then communicate it. After you have done all of that, you may have done it all and you may have communicated it. When you're on set, it will still need tweaking. They will still need another round of communication. And as a shoot evolves, you evolve. And so that communication is a daily basis thing. And it's one of the jobs of a director. We have to spend time. We can't just hole up and, you know, have a, like, we're not artists. We are also, I mean, we are artists, but we're not just painters. These are people who are going to our tools. So we have to communicate. So it's a lot of communicating, getting a lot of references, letting them know when your mind has changed or you've evolved. So you're not just doing it internally. You say, okay, listen, by the way, yesterday I told you that, but I now today feel like it should be like that and like that, you know. So you keep them updated with your thought process and keep them very close. So it's also a question of judging, getting to know them as people and understanding what approach works with them. This with actors, the first stage of workshop that you do with them, at least that I do with them, is simply to get to know them. So I find the approach point, because sometimes they are not able to, they have not lived the lives of these actors, but they've lived some other life. And I know what emotion I want in that scene, and they can draw on that incident from their lives. So I try to get as deep into their lives as is possible. It's same with my crew, same with my actors, and then it's easy to manipulate them, you know. Then it's easy to kind of tweak them. And make किसी को अच्छे से जान लो तो किसकी नाड़ी कहाँ से पकड़ के कैसे दबाने से वो कैसे रिएक्ट करेगा वो जानना जरूरी है, because movie is a lot about man management also. Yes, yes. And what is the second question? Did he Samit ask? Is movie Indian filmmaking come really of age or it's not come of age when it comes to make a quality movie making? No, it hasn't come of age, because it's like we catch up a little and then the world moves on, you know. So we reach X place and then Parasite happens, we reach Y place and then Roma happens. So I think that we have some ground to cover, but I think the resources are in place. It's just a matter of time. It's like we have the talent, we have the people, we have the stories. It's just a matter of time before money starts backing them. We have everything. Where are the producers? Yeah, but the resources start backing this. Abhi the thing is ki बहुत देर से ये कहा जाता था कि ऑडियंस अपनी टेस्ट चेंज करे तो हम भी चेंज होए, तो अब तो टेस्ट कर दिया ना ऑडियंस ने, चेंज कर दिया अपना टेस्ट. दिस इज वेरी क्लियर, उन्होंने बार बार आपको ये इंडिकेशन दे दी है कि वी आर ओके, हम देख सकते हैं ऐसी फिल्में एंड ऐसे सीरीज और ऐसी चीजें हम देखते हैं एंड वी एंजॉय इट. तो अगर आपको ये अब समझ में आ गया तो दे कुड बी अ मूवमेंट. और मुझे दूसरी चीज ये लगती है कि जो हमने अभी तक नहीं किया और हमको जरूर करना चाहिए एज एन इंडस्ट्री, इज दैट वी हैव नॉट ट्रीटेड आवर इंडस्ट्री लाइक एन इंडस्ट्री. जैसे हमारा फिल्म मेकिंग जो फॉर्म है, एक बहुत यूनिक फिल्म मेकिंग फॉर्म है. वी हैव सॉन्ग्स एंड वंस आई स्पीकिंग टू अ वेरी कमर्शियल डायरेक्टर एंड ही सेड, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू आर टॉकिंग अबाउट सिनेमा, दिस इज नॉट सिनेमा. आई सेड, व्हाट डू यू मीन, देन व्हाट इज इट? एंड ही एक्सप्लेन टू मी द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फिल्म्स. What he meant to say was कि तुम सिनेमा जो बात कर रहे हो वो इंटरनेशनल जो तुम्हारा फॉर्मेट है वो ये वाला फॉर्मेट नहीं है.
अब क्या हो गया कि हम उसी को थ्री एक्ट स्ट्रक्चर में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, वो somehow रेकनसाइल नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली जो 80s में हमारी फॉलोइंग थी फिल्म्स की, जो मोरक्को वगैरह में थी, दे लाइक दैट रॉ नेचर ऑफ व्हाट वी वर मेकिंग, यू नो, दे लाइक आवर सिंटैक्स. तो हमने वो, और जो हमारी गोल्डन एज सिनेमा की थी, तब तो मतलब बात ही मत करिए कि वी हैड द होल वर्ल्ड वाज लुकिंग एट आवर सिनेमा, यू नो. अब क्या हो गया कि हमने वो जो अब सिंटैक्स बिगड़ गई है हमारी, एंड द रीजन इज दैट वी डोंट हैव एनी बुक्स टू टॉक अबाउट अ फिल्म स्ट्रक्चर. इन फिल्म मेकिंग स्कूल्स व्हेन दे टीच अस फ्रेंच सिनेमा, दे टीच अस इटालियन सिनेमा, बिकॉज दोज आर द फिल्म्स, दोज आर द थिंग्स दैट हैव बीन रिटन अबाउट, दोज आर द थिंग्स दैट हैव बुक्स एंड लिटरेचर एंड एकेडमिक वर्क हैज बीन डन. हमारी इतनी लिमिटेड एकेडमिक वर्क है, हमारी है ही नहीं, वो नहीं है. So we have not given it that stature. The moment we do, you'll see some fantastic, because हम ये सोचते हैं कि जैसे पैरासाइट जैसी फिल्म है, ये कोई आर्ट फिल्म बनाई है इन लोगों ने, कुरिया वालों ने, और ये बड़े पागल हैं. But actually the thing is it's a hit in their country, and I think it's made, I don't know, some 3,500 crore या ऐसा कुछ पैसा बनाए. तो it's not fringe. इनकी ये commercial फिल्में बन रही हैं, ये समझने वाली बात है. आई होप दैट आंसर समझाने वाली बात, समझने वाली बात तो भी ज्यादा समझाने वाली बात है कि क्या है. एंड ये जो ये एक जो नेक्सस है ना फाइनेंसर्स और कुछ सेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स राइटर्स का, उससे टूटना बहुत जरूरी है. ओटीटी इज अ गुड प्लेटफॉर्म, बट उसमें भी बहुत सारे चीजें हैं. But I expect another 3-4 years we will go a different way. Now I'll come to your writings, which are brilliant, because the topics that you have touched, they are brilliant. But before that, one last question. OTTs में क्या देखना पसंद करती हैं अभी? I usually try to see things by directors I like. And so, who are they? Herzog, of course. I see everything Herzog ever makes. नाम स्पेलिंग के साथ बता दीजिए, मैं भी नोट कर लूं जरा, मैं भी वो हो जाऊं इवॉल्व्ड. वर्नर हर्ज़ोग, WERNERHERZOG. ये कहां के हैं? जर्मनी के हैं, अभी लॉस एंजेलिस में. कल्ट डायरेक्टर है बहुत. नहीं, जैसे मैं थोड़ा पसंद करता हूँ माजिद माजिदी एंड सम ईरानियन मूवीज, दे आर अमेजिंग. अ सेपरेशन, माजिद माजिदी इज नाइस, बट आई लाइक असगर फरीदी मच मोर. आई लाइक हिम मोर. एंड अ सेपरेशन जिसका है, माजिदी हैज अ स्लाइट, मतलब ही इज वेरी, ही इज अ ब्यूटीफुल फिल्म मेकर, बट ही हैज अ काइंड ऑफ रिलीजियस थिंग गोइंग ऑन. अ सेपरेशन सेपरेशन किसका है? आई फॉरगॉटन हिज नेम, या बट इज अमेजिंग, ही इज अ न्यू डायरेक्टर. शिट, नॉट असगर फरीदी, आई जस्ट, समबडी शुड गूगल इट. या एक बलकान या बरहान भी ऐसे, बरान जिसका है, आप शायद उसकी बात कर रहे हो. बरान वाज द मूवी वेयर दिस guy was a girl or a girl was a guy who went into that place. So they make some amazing movies. No and music. I like to watch a lot of films made by women directors also, because I enjoy that voice. Okay, so Indian, who is one of... Pardon me? Indian. Indian woman film director, aapko kaun pasand hai abhi? In the current scenario. Current? Nahin, pichle 25 saalon mein. मीरा नायर. ओ, मैं एक सेकंड में एक ही नाम लूंगा जिसने हमको परोमा दिया. ओ या, शी इज, आई मीन शी इज अमेजिंग. अपर्णा सेन इज अमेजिंग, आई लव हर. आई मीन ऑफ कोर्स, सी द थिंग इज दैट आई कांट से द नेम ऑफ वन डायरेक्टर, बिकॉज़ आई काइंड ऑफ लव समथिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट मीरा नायर इज द वन आई फील genre-wise closest to, because she started as a documentary filmmaker. Okay. तो उनकी जो है ना shot taking वगैरह, उसमें कुछ है वो element. तो गुरिंदर चड्ढा is nice.
बट आई रियली लाइक मीरा नायर. उनका वो इंटरनेशनल अप्रोच लेके चलती ना, बड़ा अच्छा लगता है, एकदम छाप छड़ के जानी है. मतलब यस, वो इंडिया बैंडिट लाइक बैकम शेकम, मतलब इंटरनेशनली वो चीज जो कभी कभी शेखर कपूर, कभी कभी क्या शेखर कपूर ने जितना किया, बिकॉज वी नीड टू टेक आर थिंग्स टू दोज लेवल्स विच वी डोंट. वेयर एज वेरी राइटफुली सेड, वी हैव ऑल द फैकल्टीज विच कैन डू दैट मच बेटर, मे बी फॉरगेट मच बेटर एट दैट लेवल, बट वी आर नॉट डूइंग दैट. एक्सलेंट. आई विल टेक, आई पुट इन फ्यू फोटोग्राफ्स हियर which are about the articles that you write, and a lot of them have got some fantastic headings. Then we will take the headings, like what made you do that, and some very brilliant exposures that you have there, you had there. Armed men, friendly cops, underfed cows, my visit to Haryana Gaurakshak office. I met a Gaurakshak who is not afraid of Modi. I am a woman and I made a web series about porn in India. This is what it was like. What Bollywood needs to learn before giving dynasty lessons to Rahul Gandhi. The rape analogy Salman Khan's films make. We don't burn bras. 10 things feminists don't do. God, I can't even remember how I wrote these. Oh shit, I've forgotten about most of these. What men from Delhi's Mandaveli have to say about women's safety. Bollywood must learn from Spotlight and the Oscars. Indians must thank Modi Sarkar and Hindutva for sedition. What does an artist make of a ritual? Pardon me? How does an artist make... These are not mine. I have not written these. These are all the, so many people have written about me. I didn't write that. How did I write that? Why does an, what does an artist make of a reviewer? Yeah. First time director stung by criticism ends up at the beginner's block, Madhurita Anand. Correct. Arts and culture, big M mein 4 minute ka read hai ji. How a Delhi hotel turns a shrine by the day. Yes. This and sex workers, listen up, trolls. This is amazing topic. What do sadhvis and sex workers have in common? Why are men such suckers for sex? I think this we have already discussed. Yeah. 2015, Indian cinema will see another golden era. So I can't remember. Only I'll have to read these articles, but I do remember that one about the sadhvis, because my question is such amazing topics on which you write, right? Yeah. So these are not the topics which are sent to you ki Madhurita is pe likh ke bhejo. Madhurita bahut strongly feel karti hai un cheezon pe, isliye likhti hai. Mera in cheezon ko show karne ke piche karan ye tha कि सोसाइटी में कितनी सारी चीजें हैं जो चीजें इनको इफेक्ट करती हैं, जहां इनका दिमाग और दिल दोनों लगता है, फिर वहीं से कहानियां बनती हैं, वहीं से एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन आता है. ये साध्वी और सेक्स वर्कर वाला जो है, ये इतना क्या बताएं, मतलब हम अगर मेनलाइन टीवी में अभी इसको डिस्कस कर रहे होते ना, अभी 2000 आदमी हमको गाली दे रहे होते और 200 आदमी हमारे सपोर्ट में होते, वही रेशियो होता. हम ये दोनों चीजों को कैसे जोड़ दिए, ये शब्द एक साथ लाए कैसे? मैं आपको बताती हूँ कैसे. एक तो ये जो साध्वीज है जिनसे मैं बात कर रही थी, ये नागा साध्वीज है, तो ये वैष्णवाइट साध्वीज नहीं है, तो थोड़ी अनकन्वेंशनल होती हैं. और दूसरी बात ये कि एक एक मेरा ऑस्ट्रियन प्रोजेक्ट था विच आई वाज सपोज्ड टू डू ऑन दी साध्वीज, तो मैं दिन में इनके साथ रिसर्च कर रही थी और शाम दोपहर रात को सेक्स वर्कर्स के साथ कर रही थी. तो इस तरह से मेरे दिन जा रहे थे कि हाफ डे साध्वीज, हाफ डे सेक्स वर्कर्स, हाफ डे साध्वीज, हाफ डे. अब मेरे को कुछ दिखने लगा कि कुछ एक कॉमन पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ. दोनों जो साध्वीज हैं, दे आर सेलिब्रेट, दे डू नॉट हैव सेक्स. जो सेक्स वर्कर है उसको सेक्स से कोई लगाव ही नहीं है, वो एक तरह से बहुत सेलिब्रेट है. अच्छा, दोनों वर्ल्ड्स में जो साध्वीज हैं, आपको आप जानते हैं, वो लोग गांजा पीते हैं, है ना, और जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो दूसरी ड्रग्स खाती हैं, क्योंकि उनका
दे कांट सर्वाइव द जो वायलेंस और गंद उनके पास रोज आके लोग ढेर ढेर छोड़ते हैं, वो बिना ड्रग्स के मैनेज कर ही नहीं पाती, तो वो पिल्स खाती हैं। तो दोनों तरफ ड्रग्स हैं। अच्छा, और भगवान जो है ना साध्वी, इसके लिए हर चीज जो है भगवान, गॉड 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 कुछ भी कहो ना कि अच्छा आई सी यू टुमारो, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो, ऐसे कहते हैं है ना। और साध्वी जो जो सेक्स वर्कर्स हैं, आप कभी ब्रॉथल में जाइए, वहां पे कितने भगवान है, तरह तरह के भगवान है। मैंने जो लिखा है एक एक कोठा नंबर 64 है जीबी रोड में, बहुत फेमस है। वहां पे नेपालीज प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, तो मैं वहां गई तो जो मैडम थी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेपालीज औरत थी, लेट 30s या 30s में ऐसे कुछ थी, लगती थी हो सकता है शी वाज ओल्डर। तो वो मुझे ले गई अपने कमरे में, तो वहां पे एक ऐसे ऑल्टर बना हुआ था, उसके ऊपर एक दुपट्टा लगा हुआ था, कहती इसके पीछे एक जोत जली हुई है जो जब से मैं आई हूँ, मतलब वो वहां पे ऑलरेडी कुछ 15-20 साल से ज्यादा थी, तो कह रही तब से ये जोत कभी बुझी नहीं है। ये देवदास में हुआ था ना कुछ, कोई वो जो पारो थी वो जोत नहीं बुझाती, तो ये पारो की तरह वहां जोत नहीं बुझती है, ऐसे लेके जाती है, पालकी से भी निकला रहता है। तो वो ये औरत है जो मैडम है, और आप बाहर जाइए नीचे ऐसे बेंचेस हैं, उस पे आदमी बैठे हैं, ऊपर सारे भगवान, वहां पे शिव जी है, गुरु नानक है, वो इस्लामिक सिंबल अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, जो जो भगवान आप सोच लो ना, राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, सारी पिक्चर्स लगी हुई है। और उनसे पूछो आप प्रोस्टिट्यूट से कि उनको उनका सबसे जो अजीज कौन है, भगवान है। तो इनके बोथ हैव सो मच लव फॉर गॉड, और दोनों सेलिब्रेट, दोनों ड्रग्स करी, और आज अगर कोई साध्वी मर गई या कोई सेक्स वर्कर मर गया, कोई ना उनको पूछेगा, ना गवर्नमेंट उनसे वोट मांगने जाती है, दे जस्ट ऑन द फ्रिंजेस। तो मुझे इतना लगा कि एंड फनी कि मैंने कुछ साध्वी जो थी उनको बोला कि मैंने, मुझे ऐसे लगा, मैंने बहुत डर के बोला उनसे, उन्होंने कहा हाँ ऐसा है, देर इज अ कॉमनैलिटी। और बहुत सारी जो सेक्स वर्कर्स है, नॉट बहुत सारी, कहते कुछ सेक्स वर्कर्स जो, क्योंकि एक टाइम आता है उसके बाद वो सेक्स वर्क नहीं कर पाती है, तो आके साध्वी बन जाती हैं। लेकिन जब मैंने सेक्स वर्कर से ऐसे कहा, उन्होंने कहा आप क्या कह रही हो, वो तो बहुत होली है, वो तो भगवान की है, आप ऐसा मत बोलो, हम तो बड़ी गंदी है, वो तो बहुत मतलब भगवान। What life? तो मैं कह रही हूँ there is a real parallel। तो मैंने ये बताइए कुछ, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि साध्वी आर सेक्स वर्कर्स, मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा दोनों सेलिब्रेट है यार। सुनिए, अभी एक ना नया वर्ड आया हुआ है, वोक जेनरेशन, WOKE जेनरेशन। अभी का जो ये पिछले 4-5 सालों का सोशल मीडिया में, और इनको नैरेटिव्स चाहिए होता है, और इसमें एक एक सेगमेंट ऐसा है जो वो नैरेटिव बिना पढ़े वो सिर्फ हेडलाइन देखे बस आज चढ़ जाओ इसके ऊपर। So that's why I wrote to the trolls, I wanted to tell them कि अगर तुम दम है तो जाके थोड़ा spend time with both the groups, see them as human beings. Absolutely, very very rightly said. Now about the social media, what is it that you like as of now? It's very convenient, it's amazing. I mean मैं app भी कर सकती हूँ, film भी कर सकती हूँ, और मतलब कितनी चीजें कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव द इंटरनेट एंड आई हैव सोशल मीडिया एंड आई कैन कम्युनिकेट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एक कोई सोशल मीडिया सेंसेशन बनना चाहती हूँ, बन सकती हूँ और कर सकती हूँ, मेरे से नहीं होता ये ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह, ये इट्स नॉट माई थिंग। लेकिन आई लाइक टू लिसन, सो आई लाइक टू फॉलो लॉट ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट्स, लॉट ऑफ ट्विटर अकाउंट्स एंड लिसन, पर I have no interest in becoming like having millions of Twitter followers or Instagram followers. मेरे को बोरियत होती है सोच के कि मुझे अब post करना पड़ेगा so that people like me. तो it's too much pressure. Too much pressure नहीं होता मुझसे, but I think it's a great thing and it has led to innumerable problems. We all know that.
बट आई थिंक एज अ डिवाइस लाइक आई मीन यू नो ह्यूमैनिटी कैन टेक द बेस्ट थिंग एंड मेक कचरा आउट ऑफ इट एंड वी हैव डन इट कंसिस्टेंटली यू नो वी हैड यूज दिस मीडियम टू क्रिएट समथिंग फेनोमिनली गुड I would like you that Know Your Porn films now they're on YouTube. Many that, people going know there. Your porn, Know Your Porn is excellent, and people please go and see. There are some very simple things which have been told there. We are discussing about porn. That in itself is an achievement, and going beyond. Those films are made for men because I felt like not enough. There is not enough literature film for men talking to them about their issues. Yes, so, absolutely. So the whole channel is for men, actually. True, and I have read through whatever you have told there. Read that. I think everybody must go through that. Must know what it is about. I'll take two comments. They are very good comments. One is Samit says, "Thank you. Your observation to the first query is spot on. So a director first has to sell the story to the cast." Okay, fine. Thank you so much, Shamit. Keep asking questions. Makes me happy. Makes the guest happy, which is very important. Next is Himadri Mukherjee. It is inspiring to listen to Madhurita ji. Her focus and clarity of thought is extraordinary. I'm sure her films depict the same. Himadri da, watch Kajariya. It is there in Amazon. Knowing you, you'll freak out. It's excellent. Well, Himadri da is another guest from my another series which I do, my city based series. He was the first one. He is an hobbyist audiophile. Okay, Madhurita, I would like you to tell people that how you utilized all this that is good about social media to come up with an app called Free, Phree. What made you think about that? Because again, Know Your Porn and Free are somewhere related to the same philosophy. So basically the thing is that I started Know Your Porn because I felt women were unsafe unless men were decided that they have to kind of make the world safer for women. Women can't make it safer for themselves. So the thing is that mere ko aise lagne laga ki jab main bahar jaati hu, hum jab aurte bahar jaate hain, especially Delhi mein jo thode unsafe places hai wahan pe, तो हम सेम प्लेस जाते हैं और वो ही रूट लेके जाते हैं और वापस आ जाते हैं. तो किसी हम वो सिटी हमारी नहीं है, हम उसमें एक बिल्कुल एक पीस बन के रहते हैं. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट देर आर रेटिंग्स फॉर एवरीथिंग. देर आर रेटिंग्स फॉर फूड, रेटिंग्स फॉर योर उबर ड्राइवर, रेटिंग फॉर योर होटल, रेटिंग फॉर एवरीथिंग, पर सेफ्टी रेटिंग नहीं है. So I started looking and found that there are no safety ratings. So I thought, yeah, I should start this and I should do it. So I called up a friend of mine. She's a designer, Deepika. And I told her, I said, let's put something together. And she's always like, huh, let's do it. And she's also my champion sort of. So we went on, we made the logo and we put a presentation together and I started taking it around. And as usual, people are like, you're a filmmaker. What do you know about a startup? This is a very big idea. This is very big idea. Always people say this to me. It's a very big idea. So I always want to say to them, yes, that's why I thought about it, because it's a big idea. You know, otherwise, why would I don't want to spend my time thinking about small ideas, right? So anyway, nobody bit it. And then I was in Palo Alto in California and I was sitting on a table with my friends and one of my friends said, can I call my husband? And I said, yeah, sure. And her husband came and sat and he just said, oh, you know, he very humbly said, oh, I make apps. So I said, oh, yeah, I also have this app idea. He said, what is it? And then I started telling him, he started asking me some questions like, do you want to monetize? Do you want to do? What do you want to do with it? What are you thinking? And I was like, okay, this is serious. And then at the end of it, he said, I'll build the app for you. So then it turns out that he's one of the owners of a company called Trantor Inc., which is one of the biggest fintech companies in the world. They build technology for banks. So app to choti cheez hai. So they built, and I built one version of the app. I didn't like it. He said, just try again. So basically the thing is what I was saying before, that when your what you want to do in the world, which is
obviously it's clear by now even to me that gender is something that matters to me. You know, I mean, you also do things and you realize ki acha ha ye cheez mere ko bahut hi matlab matter karti hai, you know. So I find different ways to go to the same place, basically, whether it's writing, whether it's filmmaking, whether it's the app, whatever it is. And my only thing is that I feel that if you have your objective is a good objective, it's going to help people, and you come from a genuine place, you more or less get there. And you keep at it. Matlab ye nahi hai ki you just think it and you just sit there. बहुत क्लैरिटी है आपके थॉट्स में. दैट इवन हिमाद्री दास सेड एंड व्हाइल रीडिंग थ्रू व्हाइल गोइंग थ्रू योर अदर इंटरव्यूज बहुत क्लैरिटी है. शायद इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरव्यूज आपके नहीं है क्योंकि आप स्कूप नहीं देती हैं. नहीं, इतना यथार्थ बता देती ना कि सामने वाला एकदम तो ये तो इतना यथार्थवादी है यार मेरे को मतलब Also, I don't really, matlab, it's not my pride and joy to do too many interviews. I just feel really, matlab, kaam karte jao na, baaki hota rahega apne aap. ये एकदम लास्ट पोर्शन पे आ रहा हूँ. मैं वो शेयर किए बगैर नहीं रह सकता. गौरक्षक आपने उस पे लिखा भी है. आज की तारीख में ये एकदम आज और कल की बात नहीं करूंगा लेकिन पिछले 4-5 सालों में गऊ गौरक्षक ये एक बहुत बड़ा क्लैन बन के ऊपर आया है. इतने सारे इश्यूज हैं हमारे पास जो सदियों से चलते आ रहे हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको. मेरे लास्ट वीक की गेस्ट थी तनुजा जी. तनुजा जी ने 1996-97 में वो पिक्चर की थी जिसमें पूजा भट्ट लास्ट सीन में चिल्लाती है अगेन भ्रूण हत्या को लेके ही कि हम बेटी हैं आप दुर्गा को पूजते हो. एकदम बॉलीवुड स्टाइल वो चीज थी बट सही बात थी. और 2015 में आप कजरिया में भी वही चीज बोलती है. मैंने उनको पूछा था कि तनुजा जी कोई फर्क देखती है. मैं आपको पूछूंगा आपका भी जवाब वही होगा लेकिन वो चीजें टॉप ऑफ द लाइन नहीं है. टॉप ऑफ द लाइन है गौ रक्षा. क्या है आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ गौ रक्षक गौ भक्षक क्या है? ये आई बेसिकली बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और इनको ये ज्यादा नेचुरली पढ़े लिखे लोग नहीं है. सिंपल लोग हैं और इनको एक एक कोई एम मिल गया है, यू नो, एंड इनको एक दे दिया है कुछ एक टेंट पोल कि ऐसे देखो तुम कुछ देश के लिए कर रहे हो, देशभक्ति के लिए कर रहे हो. तो इनको एक तरह से चढ़ाया गया है, यू नो, एंड दे डू नॉट नो. मतलब फैक्ट्स इनके सारे गलत हैं. आप उनसे बात करें वो कहेंगे कि आपको पता है कि जो गऊ है वो ऑक्सीजन बाहर फेंकती है. वो एक्चुअली ये सोचते हैं एंड वो ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं आपसे एंड आप उनसे आर्ग्यू करने की कोशिश करिए. वो कहेंगे देखिए आपको वो ये आप जहाँ इंग्लिश स्कूल्स में ये लोग आपको गलत सिखाया गया है ये ऐसा ही है. तो एक तरह से वो साइक्ड हैं बिल्कुल. तो वो अपनी तरफ से जब वो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वो अपनी गौ को माता को कर रहे हैं. तो मैंने उनसे कहा कि आप ये औरतें हैं बच्चियां हैं वो तो मर रही हैं औरतों को आप ठीक से देखते नहीं है तो आप क्यों क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं क्योंकि गऊ तो ऑक्सीजन देती है. आपने कभी गऊ को देखा है? वो कभी भी किसी को कुछ नहीं कहती है. गऊ को अगर गुस्सा आता है तो वो भी अपना सींग मारती है लेकिन उन्होंने वो उसको बिल्कुल मतलब देखा नहीं नजरअंदाज कर दिया. तो एक वो कम्युनिटी सी बन गई है. सारे इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स है वो सारा दिन ये ट्रेस करते हैं कि वहां से गऊ चली वहां गई. तो एक मतलब एम सा बन गया है. यू नो दे बिकम अ ग्रुप दे ऑल लाइक यूनाइटेड दे फील लाइक वन यू नो. सो दैट इज ऑल इट इज. अगर इसी यूथ को अगर आप अच्छे रास्ते भेज दें तो वहां पे भी जा सकते हैं ये लोग. लेकिन नहीं क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी यही है. कोई भी सरकार हो
उनका तो सिर्फ सरकार स्पेसिफिक वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिंपली ये है कि जब हम निकलते हैं, चाहे एज एक्टिविस्ट कह लो, चाहे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कह लो, एज अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री कह लो, इतनी सारी चीजें हमको गलत यहाँ दिखती हैं, इतनी प्रायोरिटाइज करने वाली चीजें हैं, वहां पे गौ रक्षा के पीछे इतना जो जो फोकस वो कहीं पे ना खटकता है। और आप खटकता तो है, बट द थिंग इज दैट इट इज व्हाट इज कैची बिकॉज उनको लाइक गौ को बचाएंगे, यू नो दे फील लाइक, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट को लगता है ना कि कोई बेचारे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इट्स अ क्रेजी थिंग कि आप किसी को कन्विंस कर दें कि ये एक क्रीचर है, आप इसको प्लीज प्रोटेक्ट करिए क्योंकि ये ऑक्सीजन फेंकती है तो हमारा जो ये प्रदूषण वगैरह हो रहा है ये कम हो जाएगा। ये पूरी स्टोरी है इनके दिमाग में, नैरेटिव द काइंड ऑफ नैरेटिव, और उसमें फंसते हैं मुस्लिम, लो कास्ट वगैरह वगैरह। हाँ, लास्ट 5 इयर्स इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ नैरेटिव्स, हु इज बीइंग एबल टू सेल द नैरेटिव्स व्हिच आर कैची, दैट्स द बज़वर्ड, क्रिएट नैरेटिव्स, राइट और रॉन्ग पीपल विल नॉट चेक, व्हाट्सएप इज अ ब्रिलियंट प्लेस, क्रिएट द नैरेटिव्स, पुश इट, द मोर यू कैन पुश द मोर दे कैन ग्रास्प द मोर फार यू कैन गो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन इन द वेरी बिगिनिंग। Ritu Rastogi had welcomed you to this meeting, but to this conversation. She actually is the owner and my partner of the company. So on behalf of Ritu, on behalf of me, my backend team, I thank you very much for spending thank this you. Kind of time, for having the patience to answer all the questions. All the very best from our side. I think I could ask a few questions which actually you would have loved to answer. That's so okay. Another time. Thank many. I think I could ask the questions. Okay. That is what I think. Thank you so much. All your future endeavors. I think the broadband at both the ends are now losing its tempo. Yes. So bye bye. Thank you very much. It was wonderful. Thank you. Bye. So friends, that was Madhurita. To understand more of her in context, if you can go ahead and watch the movie in Amazon, Kajaria, everything that she said would be far more clearer. Amazing woman. Rest is there in the interview. Coming week, new guest, Wednesday, Civic Center. Next Sunday, Magician Series again. Swasth raho, mast raho, haste raho, hasate raho. Bye-bye. Good night. Take care, sleep well.